हेलो डॉक्टर्स, तो कैसे आप? तो उम्मीद है वही हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में तो आप व्यस्त हमेशा रहते ही हो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सीके बाबा एक क्लास में, और इस आप ही के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ECI नीट। और हमने क्या स्टार्ट कर रखी है, एक ये जो एग्जाम का टाइम है उसको देखते हुए हमने NCERT की लाइन टू लाइन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको सभी चैप्टर NCERT से एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि अगर एग्जाम में, क्योंकि जनरली जो नीट का एग्जाम का अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन है वो 90 में से लेकर 90 में से 85 क्वेश्चन लगभग लगभग बता रहा हूँ वो एज इट इज NCERT से आते हैं। तो NCERT की एक एक लाइन आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से पहले हमने ह्यूमन हेल्थ एंड जो डिजीज वाला जो चैप्टर है उसमें जो कैंसर, एड्स, ड्रग एल्कोहल के जो कुप्रयोग है और जो जितने भी डिजीज है उनको NCERT वाइज सभी को खत्म करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उनको जाकर के वहां से देख सकते हो। ठीक है जी साहब, तो आज का हमारा मुद्दा रहेगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए जब सूक्ष्म जीव की बात आती है तो सूक्ष्म जीव का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो कि आपको नेक्ड आई से मतलब नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। नग्न आंख मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप लगाए या बिना कोई लेंस लगाए हुए आपको देखना है। अगर कोई आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको नहीं दिख रहा है, तो वो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है तो वो आपका जो वातावरण है उसमें बहुत सारे क्या बैक्टीरिया घूम रहे हैं, लेकिन जब आप देखते तो वो आपको दिखाई थोड़ी देते, नहीं दिखाई देते ना, तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि आपको वो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सिर्फ आपको चारों तरफ क्या दिखाई देंगे, माइक्रोब्स ही माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। अब आपने जनरली सुना होगा कि जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वो ये डिजीज कोज करते हैं, वो डिजीज कोज करते हैं, अलग अलग डिजीज के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन इस चैप्टर का नाम देखिए आप, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सभी सूक्ष्म जीव खराब नहीं होते हैं, सभी सूक्ष्म जीव ऐसे नहीं कि जो हमको रोग पैदा करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि रोग पैदा करते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो हमको क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो उन्हीं सूक्ष्म जीव के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले, लाभ पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो तो हानि वाले तो हमने डिजीज में पढ़ लिए। तो चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12वीं क्लास NCERT का 10वें नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, 12वीं क्लास की NCERT का 10वें नंबर का ये क्या है, चैप्टर है। देखिए इसमें ये टॉपिक हमको पढ़ने की, जो घरेलू उत्पाद है, जो हम घर पर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें हम सूक्ष्म जीव कैसे रोल प्ले करते हैं, उसके अलावा जो इंडस्ट्री लेवल पर हम जो प्रोडक्ट बनाने बनाते हैं वहां पर सूक्ष्म जीव कैसे यूज किए जाते हैं, और जो वायुमल उपचार है, सीवेज ट्रीटमेंट, ग्रो से निकलने वाला जो गंदगी होती है, जो गंदा पानी होता है, उसके ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीव कैसे उपयोगी होते हैं, और बायोगैस के उत्पादन में जैव नियंत्रण कारक के रूप में और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव कैसे रोल प्ले करते हैं। तो ये 6 टॉपिक इस चैप्टर में हमको कवर करने हैं, और इस एक ही लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा पूरा चैप्टर आपको खत्म करवा दिया जाएगा। बस थोड़ा सा आपको इत्मीनान से बैठे रहना है, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर आपको लगता है ना इजी है, लेकिन इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कर देना, इग्नोर मत कर देना कि यार ये तो इजी है तो पढ़ लेंगे इसको। इसमें से नीट में से हर साल एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स है, और कभी कभी तीन क्वेश्चन भी पूछे गए। तो एक आप चीज सोचिए कि मान लो कि एक तो आप कोई टिपिकल चैप्टर मतलब बहुत ही कठिन चैप्टर है उसको पढ़ करके पूरा एक महीने खराब करके, उसमें खराब तो नहीं कर सकते, इन्वेस्ट करके उस चैप्टर को इन्वेस्ट करके दो या तीन क्वेश्चन कवर कर रहे हो, और एक ये चैप्टर जिसको एक दिन में कवर किया जा सकता है और आप दो या तीन क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो एग्जाम। तो ये ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि जनरली इजी है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक एक लाइन हमको NCERT की कवर करनी है। तो NCERT देखिए क्या कहती है कि असूक्ष्म पादपों तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानी तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव है। 11 में आपने जीवित जीवों में पाए जाने वाले विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा, बिल्कुल। जो डाइवर्सिटी होती है हमारी शुरू जो 11वीं क्लास है, 11th क्लास है, उसमें जो शुरू के 4 चैप्टर है बायो के,
उसमें जो क्लासिफिकेशन है, जैसे जीवों को कैसे क्लासिफाई किया गया, जैसे 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो उन सभी 5 किंगडम सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आपको याद है कि जीवित जीवों में कौन से जगत के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं? देखिए, जब सूक्ष्म जीव की बात आएगी तो सूक्ष्म जीव कौन से जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, तो जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया आंखों से दिखाई नहीं देते, तो मोनेरा किंगडम वाले। उसके अलावा प्रोटिस्टा वाले भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देते। तो जो जनरली सूक्ष्म जीव है वो कौन से किंगडम में आते हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर। वे कौन से जीव है जिन्हें केवल सूक्ष्म दर्शी माना जाए? बहुत सारे जीव है जिनको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी है, इस लाइन का मीन क्या है? देखिए कि आपको ले जाकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाए तो क्या हम या कोई भी ह्यूमन वहां पर सर्वाइव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। या किसी को ले जाकर के गर्म झरने में छोड़ दिया जाए तो वो सर्वाइव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। किसी को ले जाकर के दलदल में छोड़ दिया जाए, या अत्यधिक जो लवणीय जल उसमें छोड़ दिया जाए तो क्या वो वहां पर सर्वाइव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। लेकिन सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो हर जगह पर, आपको पृथ्वी के हर हिस्से पर आपको देखने मिलेंगे, चाहे वो गर्म झरने हो, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, या कोई लवणीय क्षेत्र हो, कैसा भी आप कैसे भी कंडीशन ले लो, वहां पर आपको सूक्ष्म जीव देखने देखने मिलेंगे। यह मृदा में, जल में, वायु में, हमारे शरीर के अंतर्गत होते हैं ना। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ हमको डिजीज कॉज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि हमको फायदा पहुंचाते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है और क्या करता है, हमको टीबी कॉज करता है, टीबी। और ई कोलाई है, वो क्या है, हमारे लिए हानिकारक थोड़ी है, वो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और हमारे लिए क्या है, वो लाभदायक बैक्टीरिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे शरीर के अंतर्गत तथा अन्य प्रकार के प्राणी तथा पादपों में पाए जाते हैं, और ये जो पादपों में या जो अन्य प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं वो जनरली कौन होते हैं? वो पैरासाइट होते हैं, वो परजीवी होते हैं। और परजीवी क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जब मैंने जो हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में डिजीज पढ़ाई थी, डिजीज वाला जो जो लेक्चर है, उसमें मैंने आपको पैरासाइट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है ये भी आपको बताई थी। तो अगर आपने वो डेफिनेशन नहीं देखी है तो आपको पता नहीं कि पैरासाइट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप वो लेक्चर जाकर के देख सकते हो। जहां किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, मतलब जहां पर और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, जैसे कि गीजर के भीतर गहराई तक, तापी चिमनी जहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा हुआ तापमान रहता है, मृदा में गहराई तक बर्फ के परतों के कई मीटर नीचे, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। पाए जाते कि नहीं? फोन को साइलेंट कर लेता हूँ, ये बीच बीच में परेशान करेगा। सूक्ष्म जीव विविध विविध प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों एवं प्राणियों से होते हैं। और सूक्ष्म जीव जो वायरस हो गए, वीरोइड हो गए, प्रियोन हो गए, ये भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपने वायरस का नाम तो सुन लिया होगा, लेकिन जो वीरोइड्स और प्रियोन्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको 5 किंगडम सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। वायरस को, वीरोइड को, प्रियोन्स को 5 किंगडम सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन ये अभी वो क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या है? असेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनके अंदर सेल जैसी कोई संरचना देखने नहीं मिलती, इसलिए इनको 5 किंगडम सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आगे कोई दूसरा क्लासिफिकेशन आता है, इससे एडवांस क्लासिफिकेशन आता है, वैसे अभी 6 चल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में हम 5 किंगडम सिस्टम ही पढ़ते हैं, तो अगर इससे कोई एडवांस सिस्टम आता है तो शायद हो सकता है कि इनको इंक्लूड किया जाए, लेकिन अभी हम उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करते, अभी तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीवों को चित्र में दिखाया गया, आगे जो डायग्राम है ना आपके एनसीईआरटी में, कुछ वहां पर सूक्ष्म जीव दिखाए गए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवों को पोषक मीडिया पर उगाया जा सकता है। देखिए, एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सूक्ष्म जीव है ना, अगर उनको हमें क्या करना हो, ग्रो करना हो, या उनकी क्या करना हो, स्टडी करना हो, तो
उसके लिए क्या करना होगा, इनको ग्रो करवाया जाता है कल्चर मीडिया। जैसे एक प्लेट होती है जिसको कल्चर प्लेट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रेंट, अगार या जो भी जिसको बैक्टीरिया खा सकता है या जिसको डाइजेस्ट कर सकता है, वो मीडिया उस प्लेट पर भर करके, जिसको क्या बोलेंगे हम कल्चर मीडिया बोलेंगे। उस पर क्या, कोई भी जो सूक्ष्म जीव है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख जिसकी स्टडी करना चाहते हैं, वो उस पर डाल दिया जाता है। और फिर वो क्या करेगा, वो सूक्ष्म जीव जब उस कल्चर प्लेट को पर जो मीडिया है उसको क्या करेगा, खाएगा और अपनी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, जिससे हम सूक्ष्म जीव की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ताकि वृद्धि करी है कॉलोनी के रूप, कॉलोनी का रूप ले ले और इन्हें नग्न नेत्र से देखा जा सकता है। अब देखिए, आप सोचो कि थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब बहुत सारे सूक्ष्म जीव, लाखों की संख्या में, हजारों करोड़ों की संख्या में जब बहुत सारे सूक्ष्म जीव एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, तब उनको देखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और जो कल्चर प्लेट होती है, जो कल्चर हमारा मीडिया होता है, उस पर हम यही तो करते हैं। मान लो कोई भी सस्पेंस या कोई भी सीमन है जिसमें हमको ये पता है कि यार इसमें सूक्ष्म जीव या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो थोड़ा सा सैंपल लेकर के कहाँ पर डालेंगे, उस कल्चर प्लेट पर डालेंगे। अब कल्चर प्लेट पर क्या है, वो सभी की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जिनको बैक्टीरिया खा करके क्या कर सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है या अपना डिविजन कर सकता है। तो उस कल्चर प्लेट पर क्या करेगा, बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ा कर क्या कर लेगा, लाखों की संख्या में कर लेगा, जिससे फिर वो क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर जब वो ज्यादा नंबर में होते हैं तब उनको देखा जा सकता है, वैसे नहीं देखा जा सकता। ऐसे संवर्धित जनन सूक्ष्म जीव पर अध्ययन के दौरान काफी लाभदायक है। अगर आप फ्यूचर में जाकर के एमबीबीएस करने के बाद अगर आप पैथोलॉजिस्ट बनते हो या फिर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हो, तब आपको माइक्रोबायोलॉजी की लैब में यही करना होता है, अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको आपको पहचानना होता है, उनकी स्टडी करनी होती है, उनका और उनका ट्रीटमेंट, मतलब अगर वो किसी पर्सन के अंदर डिजीज कॉज कर रहा है तो उसका आपको ट्रीटमेंट भी करना होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब वो थोड़ी देर पहले बताया था ना कि डायग्राम में बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की पिक्चर दे रखी है, तो देखिए ये है वो डायग्राम। तो देखिए ये कौन कौन से बैक्टीरिया है, देखिए ये जो बैक्टीरिया है या ये जो सूक्ष्म जीव, ये कैसे दिख रहे हैं आपको, छड़ी के जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, तो ये कौन सी बैक्टीरिया है, दंडागार, ये देखो डायग्राम में लिखा हुआ है दंडागार बैक्टीरिया। ये कैसे दिख रहे हैं, गोल गोल दिख रहे हैं नहीं आपको, तो गोल गोल जो दिख रहे हैं वो कैसे हैं, गोलाकार है, जिनको क्या बोलते हैं, कोकाई या कोकस भी, गोलाकार के लिए क्या वर्ड यूज लेते हैं, कोकस या कोकाई, तो ये क्या है, गोलाकार या कोकाई या कोकस। इनके पास क्या है, फ्लेजिला है, कशाबिका है, तो ये कैसे है, कशाबिका या फ्लेजिलेटेड। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो हमको आंखों से दिख रहे हैं, अरे ये वैसे नहीं दिखते, इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख करके इनका जो साइज है वो बड़ा करके आपको एनसीईआरटी में दिख रखा है, वैसे आपको दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना कि आवर्धित करके, इतने गुना आवर्धित करके ये जो पिक्चर है ली गई है, फिर आपको दिखा देंगे। ये कौन है, ये जी साहब, इसका डायग्राम तो आप सभी ने देख रखा होगा, ये क्या है, जीवाणुभोजी वायरस, ऐसा वायरस जो कि किसको इन्फेक्टेड करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसे बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया किसके अंदर आएंगे, मोनेरा के अंदर, लेकिन ये जो वायरस है, ऐसा वायरस जो कि क्या करेगा, बैक्टीरिया को संक्रमित करेगा या बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, उसको क्या बोला जाता है, जीवाणुभोजी वायरस। जीवाणुभोजी वायरस शुरू में इसके क्या रहा है, जीवाणु आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जीवाणु है या बैक्टीरिया है, ये जीवाणु पर अटैक करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, जीवाणुभोजी वायरस। ये क्या है, ये क्या, एडिनो वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, एडिनो वायरस, जो कि क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करता है, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, श्वसनी संक्रमण उत्पन्न करता है। और ये क्या है, टोबेको मोज़ेक वायरस, जो जो टोबेको प्लांट होता है उसको क्या करता है, संक्रमित ये करता है। ठीक है, और ये वो कल्चर प्लेट है, और ये वो क्या है, कल्चर प्लेट है, मैं बता रहा था ना आपको, ये देखिए ये क्या है, कल्चर प्लेट, ये कल्चर प्लेट है, और ये आपको क्या, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं। इसने इन्होंने क्या कर लिया, अपना नंबर बढ़ा लिया, क्योंकि इस पर क्या था, न्यूट्रिशन था, जिसको बैक्टीरिया क्या कर सकता है, खा सकता है, जिसको बैक्टीरिया क्या कर सकता है, खा सकता है, वो तो वो पूरी प्लेट पर ऐसे फैला रहता है, तो वो पूरी प्लेट पर ऐसे फैला रहता है। तो हमने क्या किया, बाहर से कोई भी मान लो कि सैंपल लिया, तो वो जिसमें क्या थे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सॉरी कोई भी क्या थे, सूक्ष्म जीव थे, तो वो यहाँ पर ऐड किया, तो यहाँ पर जो कल्चर मीडिया है उसको क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे, फिर इनको आसानी से देखा जा सकता है, और ये क्या बना लेंगे, ऐसे कॉलोनी
बना लेंगे। चलिए जी साहब आगे चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं? आगे। जी इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म जीवी मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। थोड़े दिन पहले कल ही परसों ये हम देख करके ये आए हैं। ये पशु तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी सूक्ष्म जीव हानि प्रद होते हैं। शुरू में मैंने आपको बता दिया, अधिकांश सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए कई प्रकार के लाभ प्रद होते हैं। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीव के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान पर निम्नलिखित पृष्ठों में परिचर्चा की गई है। ठीक है जी साहब, तो हम इस चैप्टर में कौन से सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। तो पहला टॉपिक है कि सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव जो जो कि हम जनरली जब घर पर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें कैसे यूज आते हैं। तो पहला प्रोडक्ट यहाँ पर हमको पढ़ना है जो कर्ड होती है, जो दही होती है ना। दही तो आपने देखी होगी ना, अगर किसी बदनसीब ने नहीं देखी हो दही, किसी बदनसीब ने दही नहीं देखी हो तो मैं उनको दिखाता हूँ दही कैसी होती है। ये देखिए जी साहब, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दही है, कर्ड है। आई होप आप सबने ये देख रखी होगी। तो ये तो मैं थोड़ा सा ऐसे आपको दिखा रहा था इंटरेस्ट के लिए। देखिए क्या है जी साहब, दही के बारे में हमको क्या पढ़ना है, दही में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों या उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल जी करते हैं, तो वही तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिसे सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को शॉर्ट में ऐसे लैब भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? लैब, लैब। तो लैब की फुल फॉर्म क्या होती है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। नाम देखो इसका क्या, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध को किसमें कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म लैब। दूध में वृद्धि करते हैं कौन, वृद्धि करते हैं लैक्टोबेसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पादन करता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। ये एसिड क्या करेगा, दूध की जो प्रोटीन होती है, दूध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, और लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, जो दूध की जो प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, स्कंदित हो जाती है, या फिर आंशिक रूप से उसका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। फिर क्या होगा, हाँ तो ये तो हमको ये बता दिया कि कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, कौन सा एसिड वो प्रोड्यूस करेगा। अभी हमको बनाने की प्रोसेस यहाँ पर दे रखी होती है, बनाने की प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है कि दूध से दही किस प्रकार से बना जाता है। तो आई होप आप सभी को, आप सभी जानते हो कि दूध से दही किस प्रकार से बनाया जाता है। तो क्या होता है, दूध को पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद में उसमें थोड़ा सा इनोकुलम, इनोकुलम मतलब जिसको आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना जावन, जावन। तो जावन तो हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन वैसे उसको क्या बोलते हैं हम, निवेश द्रव्य। हिंदी में क्या बोलेंगे, निवेश द्रव्य, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनोक्यूलम हम बोलते हैं। तो थोड़ा सा इनोक्यूलम, थोड़ा सा इनोक्यूलम किस में डाल देते हैं, दूध में डाल देते हैं, और उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ले जाकर के हम रख देते हैं। और फिर वो क्या होता है, कुछ घंटों बाद में, 6-7 घंटों बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है कि दही की थोड़ी सी मात्रा, अब वो जो इनोकुलम है या जो हम जावन जो मिलाते हैं वो जनरली क्या होती है, वो दही होती है, पुरानी दही होती है, फिर क्या होती है, छाछ होती है। तो वो निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में, आरंभक भी हम उसको बोलते हैं, ताजे दूध में मिला जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो उपयुक्त ताप पर कई गुणा वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। ठीक है जी साहब, ये हमने देख लिया कि कैसे दूध दही में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है, दही का क्या फायदा होता है, दही में क्या होता है, विटामिन B12 की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। दही में क्या होगी, देखो दही के एक तो फायदे क्या है, एक तो विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा होगी,
दूसरा, इसमें जो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है, या तो लैक्टोबेसिलस है, जब हम दही खाएंगे तो लैक्टोबेसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ पर जाएगा, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल में कुछ और सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो कि हमको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो लैक्टोबेसिलस क्या करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, और लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में जो हानिकारक बैक्टीरिया है या जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है वो मर जाते हैं। तो दो फायदे हो गए, एक तो विटामिन B12 मिल रहा है, और दूसरा क्या, दूसरा जो हानिकारक बैक्टीरिया या जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो क्या हो रहे हैं, इसकी प्रेजेंस में मर रहे। ठीक है जी साहब, इतना हमने पढ़ लिया। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधित गुणों में सुधार आ जाता है, हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, सॉरी, हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका निभा करता है। ठीक है जी साहब, तो ये हमने क्या पढ़ा, दही के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा इडली डोसा, इडली डोसा, इडली डोसा। अब किसी ने इडली या डोसा नहीं देखा हो तो मैं उनको इडली या डोसा जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए जी साहब, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की आपको दिख रही, ये जो सफेद रंग की आपको दिख रही, ये देखिए, एक मिनट, पेन एक तो काम नहीं करता। ये देखिए, ये जहां पर मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं ना, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रही है, ये देखिए जी साहब, ये तो क्या इडली है, और ये देखो आपको जो ऐसे दिख रहा है ये क्या है, ये है डोसा। क्या है, डोसा, मोसा नहीं, डोसा। हाँ तो चलते हैं एनसीईआरटी पर आते हैं। हाँ जी साहब, क्या कहती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या कहती है, दाल चावल का बना ढीला डाला आटा, इडली या डोसा बनाने के लिए जो आटा यूज किया जाता है ना, वो किससे बनाते हैं हम, दाल या चावल से, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वहीं भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। अब देखिए, बीच में बैक्टीरिया फिर किण्वित, किण्वन कहाँ से आ गया, देखिए बैक्टीरिया जो है वो कौन सा रेस्पायरेशन करते हैं, वो कौन सा श्वसन करते हैं, हम कौन सा श्वसन करते हैं, पहले तो हम कौन सा श्वसन करते हैं, वायवीय श्वसन, मतलब ऐसा श्वसन जो कि O2 की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसको क्या बोलते हैं, वायु, वायवीय श्वसन। और ऐसा श्वसन जो कि O2 की एब्सेंस में होता है या अनुपस्थिति में होता है उसको क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन, या अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम है किण्वन। ठीक है, तो जो अवायवीय श्वसन या जो किण्वन है वो कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, और किण्वन की प्रोसेस के लास्ट में क्या बनता है, CO2 बनता है। तो जब इस आटे को बनाने में, इस आटे को बनाने में जब बैक्टीरिया यूज किए जाएंगे तो वो कौन सा रेस्पायरेशन करेंगे, अवायवीय श्वसन करेंगे, अवायवीय श्वसन के दौरान क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, और जब CO2 गैस निकलेगी आटे में से, CO2 गैस निकलेगी तो आटे में क्या होगी, हवा भर जाएगी कि नहीं, उसकी वजह से आटा क्या हो जाता है, पलती हो जाता है, मतलब थोड़ा ढीला डाला हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या भर गई, एयर भर गई ना। ठीक है, तो वो ढीला डाला आटा किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें क्या है, बैक्टीरिया है, और वो क्या कर रहे हैं, किण्वन कर रहे हैं, और किण्वन की वजह से क्या हो रही है, वहां पर O2 गैस रिलीज हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वही बात जो मैंने बताई, इस आटे की फूली उभरी शक्ल CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा उपापचयी पथ CO2 के निर्माण में कार्य कर रहा है, कौन सा उपापचयी पथ है, वही अवायवीय श्वसन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको क्या बोला जाता है, किण्वन भी बोला जाता है, और किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन, कौन सा, फर्मेंटेशन। CO2 गैस तो फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, और फर्मेंटेशन क्या है, या किण्वन क्या है, या अवायवीय श्वसन क्या है, वो प्रोसेस का नाम है। क्या आप जानते हैं कि किण्वन की क्रिया के लिए यह बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं, अरे बहुत सारे माइक एनवायरमेंट में, बहुत सारे चारों तरफ जहां पर देखे वहां पर बैक्टीरिया बैक्टीरिया, देखिए जरा। ठीक इसी प्रकार ढीला डाला आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर ईस्ट, सैक्रेमाइसिस सेरुलोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेड आपने देखी कि नहीं, ब्रेड आपने देखी है, नहीं देखी तो, नहीं देखिए तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है ब्रेड। ये देखिए जी साहब, ये ब्रेड है, ये जो ब्रेड है, ये आपको जो ब्रेड दिख रही है ना, एक चीज आप इसमें ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व क्या करोगे, आपने खाई होगी या देखी तो होगी, खाई तो होगी ना, जरूर
जनरली ब्रेड तो खाई होगी, तो इसमें आपको छोटे छोटे ऐसे देखिए छिद्र से छिद्र ऐसे इसमें क्या होती है नजर आते हैं। तो ये छिद्र से छिद्र क्यों नजर आते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैक्रामाइसिस सेरेवेसी, या उसको क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट भी हम बोलते हैं, सैक्रामाइसिस सेरेवेसी। वो भी क्या करेगा, वायु अब्सॉर्प्शन करेगा, CO2 गैस रिलीज होगी, और CO2 गैस जब निकलेगी बाहर आटे में से, CO2 गैस जब बाहर निकलेगी तो वहां पर क्या हो जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। चलिए जी साहब आगे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार ढीला डाला आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट का नाम याद रखना है आपको, सैक्रामाइसिस सेरेवेसी। देखिए सैक्रामाइसिस सेरेवेसी को जब ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, बेकर ईस्ट। अरे बेकरी में जब यूज किया जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, सैक्रामाइसिस सेरेवेसी को बेकरी में जब यूज किया जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, बेकर्स ईस्ट। और जब इसी सैक्रामाइसिस सेरेवेसी को जो पेय पदार्थ होते हैं, जो वाइन से एल्कोहल वगैरह जो शराब वगैरह होती है उसमें जब यूज किया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, उसको बीवर्स ईस्ट हम बोलते हैं। एक ही ईस्ट है सैक्रामाइसिस सेरेवेसी, जब ब्रेड बनाने में यूज किया जा रहा है तब उसको क्या बोलते हैं, बेकर ईस्ट। जब पेय पदार्थ बनाने में यूज किया जा रहा है तब उसको क्या बोलते हैं, बीवर्स ईस्ट। इसी चैप्टर के नेक्स्ट आएगा, वो भी आएगा, पेय पदार्थ भी आएंगे। देखो आगे देखो, एक तो हमने क्या देख लिया, एक तो हमने देख लिया कि जो दही होती है वो देख ली, दूसरा हमने क्या देखा, इडली डोसा देखा, तीसरा क्या देखा, ब्रेड देखी, और चौथा हम देखने वाले जा रहे हैं यहाँ पर टोडी। टोडी कौन सी, टोडी देखने जा रहे हैं, अरे पीने वाली टोडी। देखिए पारंपरिक पेय तथा आहारों की एक बड़ी संख्या सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वित कराकर तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ, एक मिनट, दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी है जिसे ताड़ वृक्ष के तने के इस स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टोडी दिखने में कैसी होती है, टोडी दिखने में कैसी होती है, ये देखिए, ये जो आपको बोटल्स में जो भरी हुई है व्हाइट व्हाइट कलर की जो नजर आ रही है ना, वो क्या है, वो टोडी है। इसको पीने के लिए यूज किया जाता है, पारंपरिक पेय ही है। जैसे मान लो कि हमारी तरफ क्या है, जैसे जनरली कोई मेहमान आता है घर पर तब उसको क्या पिलाते हैं, चाय पिलाते, चाय या कॉफी पिलाते हैं ना, तो वैसे जो दक्षिण भारत की तरफ ये क्या पिलाई जाती है, टोडी पिलाई जाती है। देखो ये क्या कर रहा है पर्सन, क्या कर रहा है, ये जो ताड़ वृक्ष है, ताड़ वृक्ष वो वृक्ष नहीं जिसको ताड़ा जाता है, ताड़ने वाला वृक्ष को ताड़ वृक्ष नहीं बोलते। अरे जो खजूर का पेड़ होता है ना, लंबा पेड़ खजूर का, जो बहुत ऊंचा, जिस जो बहुत ऊंचा होता है, उस वृक्ष को क्या बोलते हैं, ताड़ वृक्ष। तो ताड़ वृक्ष में चीरा लगा करके देखो, ये यहाँ पर मटके बांध रखे हैं, तो ये देखो मटके बांध रखे हैं, तो ये क्या बना रहा है, या क्या निकाल रहा है, ऐसे टोटी निकाल रहा है, ये यहाँ से क्या स्त्राव निकाल रहा है, जो जो इससे निकलने वाला जो लेटेक्स है वो निकाल रहा है, फिर इससे क्या बनेगा, टोटी बनाई जाएगी। ठीक है जी साहब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किण्वित मत्स्य मतलब मछली, सोयाबीन तथा बांस पर आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है। अब अगला प्रोडक्ट है हमारा चीज या पनीर, आपने पनीर का नाम सुना होगा, चीज या पनीर का नाम सुना होगा। पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है, इसे तैयार करने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन संरचना मतलब वो दिखते कैसे, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं। देखो पनीर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कोई अपनी सुगंध के लिए फेमस होता है, कोई अपने स्वाद के लिए फेमस होता है, और कोई अपनी गठन संरचना के लिए क्या होता है, फेमस होता है। तो यहाँ पर दो पनीर के नाम दे रखे हैं, विशेष सूक्ष्म जीव के प्रयोग से आते हैं। उदाहरण के लिए पहला है स्विस चीज, स्विस चीज, तो स्विस चीज में बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और इसको बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सारमिनई। कौन सा बैक्टीरिया, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सार में नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये स्विस चीज, जो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है स्विस चीज, ये देखिए ये स्विस चीज है, और इसमें देखो ये बड़े बड़े होल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये जो होल्स है ये इसकी क्या है, खास विशेषता होती है। और इस पनीर को बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सार में नहीं। ठीक है जी साहब, और एक और चीज, एक और पनीर दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कौन सा पनीर है, रॉकी फोर्ट चीज है, रॉकी फोर्ट पनीर है। तो ऊपर वाला कौन सा था,
स्विस चीज, ये कौन सा है? रोकेफोर्ड चीज। नेक्स्ट, आगे चलते। हाँ जी साहब, स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र किसकी वजह से होते हैं? प्रोपीन वेक्टर, शारमिनाई वेक्टर द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण। बताया ना, जहां से CO2 निकली वहां पर क्या बन जाती है? छिद्र बन जाते। रोकेफोर्ड चीज एक विशेष प्रकार के कवक की वर्दी से परिपक्व होती है, जिससे क्या आती है? विशेष प्रकार की सुगंध आती है। तो जो रोकेफोर्ड चीज है वो अपनी सुगंध के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? वो अपने सुगंध के लिए क्या है? फेमस। ठीक है जी साहब। अब वो प्रोडक्ट तो हमने देख लिए, वो प्रोडक्ट तो हमने देख लिए जो कि जो घर पर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें सूक्ष्म जीवों का यूज कैसे किया जाता है। अब वो प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं जो कि इंडस्ट्री लेवल पर बनाए जाते हैं और उनमें सूक्ष्म जीवों का यूज कैसे होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। किसमें? औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है जो कि मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान है। मादक पेय समझते हो ना, अरे पीने वाले पेय पदार्थ, एल्कोहल, बियर, शराब, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे के सारे क्या है? पेय पदार्थ। इनको बनाने में क्या किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। मादक पेय, मादक पेय तथा एंटीबायोटिक, इसके क्या है उदाहरण है? व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीव को पैदा करने के लिए, एक मिनट, व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीव को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता, जिसे कि जिनको क्या बोलते हैं? फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। देखिए इंडस्ट्री लेवल पर जो बर्तन यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो करवाने के लिए या जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बर्तन यूज किए जाते हैं बड़े बड़े, उनको क्या बोला जाता है? किण्वक या फर्मेंटर बोला जाता है। देखो ये डायग्राम ये दिखा रखे ना, ये क्या है? किण्वक है या फर्मेंटर है जो इंडस्ट्री में यूज किए जा रहे हैं। अब देखिए किण्वित पेय के बारे में यहाँ पर दे रखा है। किन के बारे में दे रखा है? किण्वित पेय के बारे में यहाँ पर दे रखा है सूक्ष्म। अरे किण्वित पेय का मतलब क्या? ऐसे पेय पदार्थ जिनका निर्माण कैसे किया जाएगा? किण्वन के द्वारा किया जाएगा। किण्वन मतलब अवायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया करते हैं। तो सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग अगर ब्रेड बनाने में किया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? सॉरी बेकर्स ईस्ट। अगर उसी को पेय पदार्थ के लिए यूज किया जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे? बीवर्स ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रेड बनाने तथा माल्ट के धान्यों तथा फलों के रसों से एथेनॉल उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया एथेनॉल, समझिए आप, वायवीय श्वसन जब होता है ना, जिस हमारे अंदर वायवीय श्वसन होता है तो एंड प्रोडक्ट उसके क्या होते हैं? वायवीय श्वसन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? CO2H2। लेकिन जब अवायवीय श्वसन होता है ना, अवायवीय श्वसन कौन करेगा? बैक्टीरिया करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। तो अवायवीय श्वसन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल होता है, और इथेनॉल को ही तो शराब की तरह यूज किया जाता है ना। तो जो बैक्टीरिया अपना एंड प्रोडक्ट बना रहा है अवायवीय श्वसन या फिर किण्वन की प्रोसेस के द्वारा जो जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, उसी का उपयोग तो हम क्या करते हैं? पेय पदार्थ बनाने में करते हैं, इथेनॉल उत्पादन में किया जाता है। क्या आपको वे उपापचय अभिक्रिया याद है जिनके परिणाम स्वरूप ईस्ट द्वारा इथेनॉल उत्पादित तो होता है? जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें जो पादप श्वसन वाला जो चैप्टर है, प्लांट रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें डिटेल में हम यही देखते हैं कि अवायवीय श्वसन कैसे होता है और वायवीय श्वसन कैसे होता है। तो उसी की रीडिंग भी मैं आपको एनसीईआरटी वाइज लगाऊंगा, आप टेंशन ना करें। यहाँ पर इतना कोई खास, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार मेरे को तो वो आता ही नहीं है, तो इतनी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अवायवीय श्वसन के दौरान एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, एक और प्रोडक्ट बनता है, एक और प्रोडक्ट। अवायवीय श्वसन के भी दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ।
विभिन्न प्रकार के एल्कोहलीय पेय पदार्थ की प्राप्ति, किण्वन तथा विशेष प्रकार के संसाधन। देखिए किण्वन के बाद में क्या होता है ना कि ये जो पेय पदार्थ है उनको निकालने के तरीके दो हो सकते हैं, या तो आसवन के बिना, सॉरी आसवन की हेल्प से मतलब डिस्टिलेशन, या फिर बिना आसवन की द्वारा प्राप्त इनको किया जा सकता है। तो कुछ पेय पदार्थ ऐसे जिनको आसवन के द्वारा बनाया जाता है और कुछ पेय पदार्थ ऐसे जिनको बिना आसवन के द्वारा बनाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि वाइन बियर का उत्पादन बिना आसवन के किया जाता है। वाइन और जो बियर होती है उसका निर्माण कैसे किया जाता है, बिना आसवन के। जबकि जो विस्की ब्रांडी और जो रम है, विस्की ब्रांडी और जो रम है उसको कैसे तैयार किया जाता है, आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है जी साहब, ये क्या हो गए पेय पदार्थ हो गए, क्या हो गए पेय पदार्थ हो गए। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, प्रतिजैविक। अब एंटीबायोटिक या जो प्रतिजैविक होती है इनको भी कौन सिक्रेट करता है, ये केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स कौन सिक्रेट करते हैं, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा एंटीबायोटिक का उत्पादन 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्योंकि हम जब बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार पड़ जाते हैं तो उस टाइम क्या यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक तो दी जाती है पेशेंट को, ठीक है ना। एंटीबायोटिक आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, वो फायदेमंद है क्योंकि आपको क्या कर रही है, वो बीमारी से बचा रही है। अब एंटीबायोटिक का वर्ड का मीन क्या है, अब जो एंटीबायोटिक है वो दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, एंटी एंटी एक ग्रीस ग्रीक भाषा का क्या है शब्द है, एंटी क्या है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका क्या होता है खिलाफ। बायो का अर्थ क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है जीवन, मतलब जब जोड़े दोनों शब्दों को तो क्या वर्ड क्या हुआ, जीवन के खिलाफ, जीवन के खिलाफ ही हो ना। लेकिन एंटीबायोटिक तो आप अपने जीवन को बचाने के लिए लेते हो, एंटीबायोटिक तो जो वो आपको आप अपने जीवन को बचाने के लिए लेते हो ना, तो फिर जीवन के खिलाफ कैसे। तो मैं समझाता हूँ आपको, आपने एंटीबायोटिक ली किस लिए ली, क्योंकि आपको कोई बीमारी हो रखी थी, वो बीमारी किस वजह से हो रखी थी, कोई सूक्ष्म जीव था, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, कोई बैक्टीरिया था, वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट था और वो क्या कर रहा था, आपको बीमार कर रहा था। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए आपने क्या लिया, एंटीबायोटिक ली। उस एंटीबायोटिक में जाकर के किसको मार दिया, आपकी बॉडी के अंदर जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव था, जो आपको डिजीज कॉज कर रहा था, उसको क्या किया, मार दिया। तो ये किसके जीवन के खिलाफ है, ये आपके जीवन के खिलाफ नहीं है, ये जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है जो मानव को नुकसान पहुंच रहा है उसके जीवन के खिलाफ है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या हुई कि सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रवित होने वाले ऐसे रसायन, क्योंकि सिक्रेट कौन कर रहा है, सूक्ष्म जीव तो कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित होने वाले ऐसे रसायन जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं या फिर उनको मारते हैं। तो सिक्रेट कौन कर रहा है, सूक्ष्म जीव, तो जो सिक्रेट कर रहा है वो तो आपके लिए क्या है, फायदेमंद है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, एंटीबायोटिक बना रहा है। और जिसको मार रहा है एंटीबायोटिक, जिसके जिसको मार रही है, वो क्या आपके लिए घातक है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि जीवन के खिलाफ है, फिर ये जीवन के खिलाफ ही कैसे, ये तो हमको हमारे लिए फायदेमंद है, तो आपके जीवन के खिलाफ नहीं, ये जो आपके लिए हानिकारक है उनके लिए, उनके जीवन के क्या है, खिलाफ। दोनों को मिला देने से इसका अर्थ जीवन के खिलाफ हुआ, रोग जो जीवों से उत्पन्न होते उनके संदर्भ में, देख लिख दिया ना एनसीईआरटी ने। जबकि मनुष्य के संदर्भ में क्या, जीवन के खिलाफ नौकरी जीवन के प्रति माने जाते हैं, जीवन के लिए क्या लाभदायक। एंटीबायोटिक एक प्रकार क्या होते हैं, रसायन पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, बिल्कुल, या अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद करते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है पेनिसिलिन। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी वो कौन थी, पेनिसिलिन। क्या आप जानते कि, आप जानते कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था, एंटीबायोटिक था जिसकी, एक मिनट एक मिनट एक, जिसकी खोज एक प्रकार से हादसा है। ये जो पेनिसिलिन की जब डिस्कवरी की गई थी ना, तो ये एग्जैक्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी नहीं की जा रही थी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो कुछ कर तो कुछ और रहे थे, लेकिन उस उनके हाथ क्या लगे, एक ब्रह्मास्त्र, बड़ी काम की चीज लगी, जिसका नाम क्या पड़ा, एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे, देखिए समझते हैं, तो आप रिलैक्स होकर के बैठिए, समझते हैं क्या हुआ
कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। अब आपको पता है कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी कैसे की जाती है, उनको कल्चर प्लेट पर क्या करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। तो इन्होंने क्या कर रखी थी, दो प्लेट ले रखी थी, मतलब दो कल्चर प्लेट इन्होंने ले रखी थी। तो एक कल्चर प्लेट तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। एक कल्चर प्लेट तो कैसी थी, जो साफ सुथरी थी, और एक कल्चर प्लेट कैसी थी, कंटामिनेटेड थी। एक कल्चर प्लेट तो साफ सुथरी थी और एक कल्चर प्लेट कैसी थी, कंटामिनेटेड। तो जो कंटामिनेटेड, जब इन्होंने थोड़ी देर बाद में देखा ना, तो जो साफ सुथरी प्लेट थी उस पर तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ इनको देखने मिली। ठीक है, देखिए आप, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। एक प्लेट तो ये है और एक प्लेट ही है, तो ये तो कैसी है, नॉन कंटामिनेटेड मतलब साफ सुथरी, और ये कैसी है, कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मतलब इन पर देखिए ये कंटामिनेटेड। तो इन्होंने क्या देखा कि थोड़े बाद, जब इन टाइम थोड़े टाइम के बाद जब इन्होंने देखा ना, तो इनको पता चला कि जो साफ सुथरी प्लेट है उन पर तो ऐसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने आपको मिल रही है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ आपको देखने मिल रही है। लेकिन जो साफ सुथरी प्लेट नहीं थी, मतलब जो कंटामिनेटेड प्लेट थी, उन पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने नहीं मिली, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रोथ इनको देखने नहीं मिली। तो जब इन्होंने पता लगाया कि यार इस प्लेट पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों नहीं आई, तो पता चला कि जो कंटामिनेटेड प्लेट थी, मतलब जो साफ सुथरी प्लेट नहीं थी, वहां पर एक कवक जिसका नाम था, कवक को अलग कलर्स में बना रहा हूं, जिसका नाम था पेनिसिलिन नोटेटम। कौन सा कवक, पेनिसिलिन नोटेटम। पेनिसिलिन नोटेटम ने क्या की, ग्रोथ की, क्योंकि वो वहां पर क्या थी, कंटामिनेटेड थी। तो वहां पर पेनिसिलिन नोटेटम कवक ने क्या की, अपनी ग्रोथ की, और ग्रोथ करके उसने एक केमिकल सिक्रेट किया। उस केमिकल की वजह से जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टेरिया वो क्या हुए, मर गए। स्टेफाइलोकोकस बैक्टेरिया क्या हुए, मर गए। तो इन्होंने क्या देखा कि यार एक सूक्ष्म जीव द्वारा कुछ केमिकल सिक्रेट हो रहे हैं जो कि दूसरे सूक्ष्म जीव की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो हो सकता है कि यही बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, ये सूक्ष्म जीव ही नहीं, हो सकता है कि बाकी सूक्ष्म जीव भी ऐसा करते हो, वो भी कोई ऐसा केमिकल सिक्रेट करते हो जो किसी हानिकारक सूक्ष्म जीव की वृद्धि को क्या करते हो, रोकते हो। तो यहीं से यह कॉन्सेप्ट आया कि सूक्ष्म जीवों से ऐसे केमिकल हम प्राप्त कर सकते हैं जो कि अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अब हम पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तो उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर कार्य कर रहे थे उनमें से एक बिना धुली प्लेट, जिस पर क्या उत्पन्न हो गए, मोल्ड। मोल्ड मतलब कवक, जिस कारण स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया वृद्धि ना कर सका। देखो जहां पर कवक ने वृद्धि की तो वहां पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं आई ना, ये क्यों नहीं आई, उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन। देखिए कवक का नाम क्या था, कवक का नाम क्या था, पेनिसिलिन नोटेटम। तो जो केमिकल सिक्रेट हो रहा है, पेनिसिलिन नोटेटम जो केमिकल सिक्रेट कर रही है, उस केमिकल का नाम ही क्या पड़ गया, फिर पेनिसिलिन नाम पड़ गया। तो रसायन पेनिसिलिन, 1 मिनट, तो रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है, क्योंकि पेनिसिलिन पेनिसिलिन नोटेटम द्वारा, नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण इसका उन्होंने नाम क्या रख दिया, पेनिसिलिन रख दिया। यद्यपि बाद में देखो यहीं से किसका कॉन्सेप्ट आ गया, यहीं से किसका कॉन्सेप्ट आ गया, एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बाकी बहुत सारी फिर एंटीबायोटिक बना ली गई, बाकी बहुत सारी एंटीबायोटिक बना ली गई। तो देखिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है, यद्यपि बाद अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरी ने इसके एक शक्तिशाली व प्रभावशाली एंटीबायोटिक रूप में पुष्टि की। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया, क्योंकि जब वो घायल हो गए तो उनके इलाज के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया गया। और लास्ट में आकर के फिर फ्लेमिंग चैन और जो फ्लोरे, तीन साइंटिस्ट, फ्लेमिंग चैन और जो फ्लोरे थे, इनको जाकर क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला 1945 में। ठीक है, तो
तो आज बहुत सारे एंटीबायोटिक अवेलेबल है मार्केट में जिनका डॉक्टर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, और अलग अलग रोगों के उपचार के लिए या फिर अलग अलग बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एंटीबायोटिक भी क्या होती है, अलग अलग होती है। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्म जीवियों ने अन्य एंटीबायोटिक को भी परिशुद्ध किया, मतलब आइसोलेट किया। क्या आप कुछ एंटीबायोटिक के नाम तथा उनके स्रोत के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे। प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी जैसे भयानक रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मर रहे हैं के उपचार में एंटीबायोटिक ने हमारी क्षमता में वृद्धि की, एक शक्ति के रूप में आए हैं। आज हम एंटीबायोटिक से रहित तो संसार की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो कि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक तो यूज करते हैं ना। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, उनकी डिस्कवरी कैसे की गई और कौन सा वहां पर कवक उपयोगी था। पहली खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिक्रेट होने वाले केमिकल्स, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु कि बैक्टीरिया कौन कौन से, केमिकल्स, रसायन। रसायन की जब बात करें ना, जनरली हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एसिड पढ़ेंगे। एंजाइम कौन से सिक्रेट करते हैं तथा अन्य जैव सक्रिय अणु कौन कौन से क्या क्या सिक्रेट करते हैं। तो देखो साहब, पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो पैराग्राफ दे रखा ना, ये क्या है, ये सभी के सभी क्या एसिड है, मतलब रसायन। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, रसायन। अब ये भी आपको बताना था कि कौन से रसायन है, कौन से एंजाइम और कौन से जैव सक्रिय अणु। तो कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कि कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादों के उदाहरण जैसे कि सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का एस पर जिलस नाइगर, सिट्रिक अम्ल किससे मिलता है, एस पर जिलस नाइगर जो कि क्या होता है, कवक होता है। एसिटिक अम्ल किससे मिलता है, एसिटोबैक्टर एसिटाइड जो कि क्या एक बैक्टीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड किससे सिक्रेट हो रहा है और वो बैक्टीरिया है, कवक है या फिर और कुछ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको हल्के में मत ले लेना। ब्यूटायरिक एसिड किससे सिक्रेट होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम जो कि क्या एक बैक्टीरिया है। और लैक्टिक अम्ल किससे सिक्रेट होता है, लैक्टोबेसिलस जो कि क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। तो ये तो क्या है, एसिड है, ये सभी के सभी जो पढ़े ना एसिड है, ये क्या है, रसायन है। और कौन कौन से बैक्टीरिया कवक इनको सिक्रेट करता है, वो नाम भी एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम, नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम। तो एथेनॉल के बड़े उत्पादन पर एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पहले बता चुका हूं कि किसका यूज किया जाता है, सैकेनमाइसिस सेरेविस जो कि क्या है, ईस्ट है, कवक, ईस्ट मतलब कवक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज याद रखना कि आपको फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में पता होगा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। फंजाई जो होते हैं, फंजाई या कवक जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स। लेकिन वहां पर एक एक्सेप्शन है, जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट जो है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर फंजाई है। तो आप वहीं पर नोट कर लो, जहां पर ईस्ट लिखा हुआ है ना, तो वहां पर एरो लगा करके पेन से नोट कर लो कि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर क्या होता है, फंजाई होता है, एक्सेप्शन है ये का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लाइपेज का प्रयोग, अपमार्जक संरोपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। देखिए जहां पर जिस शब्द के लास्ट में एज लग जाता है ना, तो आप समझ लीजिए कीजिए कि वो क्या होता है, एंजाइम। जैसे कि लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, जिसके लास्ट में एज आता है वो क्या है, एंजाइम होता है। और जिस एंजाइम के शुरू में क्या लगा हुआ आ जाता है, प्रो लगा हुआ आ जाता है, वो क्या होता है, एंजाइम है वो भी, लेकिन वो कैसा एंजाइम है, वो इनएक्टिव एंजाइम है। तो जो लाइपेज है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, कपड़ों से धुलाई, जो कपड़ों पर जो तेल के धब्बे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए लाइपेज का यूज किया जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि बाजार से खरीद करके जो फल रस की जो बोतल लाते हैं, बिल्कुल एक चीज आप ऑब्जर्व करना, जो आप घर पर जो फ्रूट जूस बनाते हो और एक जो आप मार्केट से जूस लेकर के आते हो, मार्केट वाला जूस आपको थोड़ा सा साफ सुथरा या क्लियर सा दिखाई देगा, और
और जो आप घर पर बनाते हो वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, वो धुंधला किस वजह से दिखाई देता है और मार्केट वाला साफ किस वजह से दिखाई देता है, देखिए एनसीईआरटी में। उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक, एक मिनट, उसका रस घर पर बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। क्यों क्यों साफ दिखाई दे पड़ता है? क्योंकि पेक्टिनेजेज तथा प्रोटीजेज के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ व साफ होता है। जो मार्केट से जो आप जूस लेकर के आते हो ना, तो वहां पर दो एंजाइम यूज किए जाते थे, दो एंजाइम यूज किए जाते हैं, पेक्टिनेजेज तथा प्रोटीएजेज के प्रयोग की वजह से वो जूस जो कैसा दिखाई देता है, साफ सुथरा दिखाई देता है। ठीक है जी साहब, आगे पढ़ते हैं। पेक्टिनेजेज तथा प्रोटीएजेज के कारण बोतल वाला रस अधिक साफ दिखाई देता है। हाँ, अब बोतल वाले रस के बाद में हम देखते हैं अगला नाम, स्टेप्टोकाइनेज। कौन सा काइनेज? स्टेप्टोकाइनेज। सिक्रेट कौन करेगा इसको? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कौन सिक्रेट करेगा? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जो आपकी 12th एनसीईआरटी उसका जो 11वीं और जो 12वें नंबर का चैप्टर है ना, उसके अंदर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ही डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्तवाहिनी से थक्का हटाने में यानी थक्का स्फोटन के रूप में किया जाता है, जो कि हृदयघात के अग्रक मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो पेशेंट है उनमें से जो थक्का हटाने के लिए किस एंजाइम का यूज किया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होगा। किससे सीक्रेट होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से क्या होता है? सीक्रेट होता है। ठीक है जी साहब, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। ये तो यहां तक क्या कंप्लीट हो गए? यहां तक क्या कंप्लीट हो गए? एंजाइम। आगे बढ़ते हैं, जैव सक्रिय अणु। जैव सक्रिय अणु, तो जैव सक्रिय अणु कौन कौन से दे रखे हैं? तो नाम दे रखा है साइक्लोस्पोरिन ए। इसके बारे में पहले मैंने आपको इम्यून सिस्टम में बता भी दिया, साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है। तो जो व्यक्ति जिन्होंने अभी अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद में क्या होगा, कोई जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है वो किसी दूसरे व्यक्ति का होगा, तो उसको इम्यून सिस्टम पहचान करके क्या कर सकता है, उसको नकार सकता है। तो इससे तक होगा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया वो तो फेल हो जाएगा। तो क्या किया जाता है कि इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को ना पहचाने जो कि कहीं बाहर से लाया गया है या किसी दूसरे पर्सन से लिया गया है, उससे ऑर्गन को ना पहचाने, इसके लिए इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया जाता है? सप्रेस कर दिया जाता है, ताकि इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन पार्टिकल को या किसी बाह्य अंग को ना पहचान सके और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो वो फेल ना हो। तो उसके लिए क्या दिया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है। कौन सी मेडिसिन दी जाती है? साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या करेगी? जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देगी? सप्रेस कर देगी। और सप्रेस करने के बाद में इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल्स को या जो बाह्य अंग है उसको पहचान नहीं सकेगा, और जिससे कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो क्या हो? सक्सेस हो। इसके लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अन्य जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में इम्यूनो सप्रेसिव मतलब प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में रोगियों के कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन कौन करता है? ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नामक कवक करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए कौन से क्रिएट करता है? ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम। और इसका यूज क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसिव के रूप में यूज किया जाता है जिन पेशेंट में अभी अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है। अगला है मोनोस्कस परफ्यूरियस। यह किससे उत्पन्न होता है? ईस्ट से उत्पन्न, स्टेनिन। इस स्टेनिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। मोनोस्कस परफ्यूरियस क्या है? ईस्ट है, जिससे क्या सिक्रेट होता है? स्टेनिन सिक्रेट होता है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? रक्त में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाएगा, मतलब
रक्त कोलेस्ट्रॉल या ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी साहब, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वाले कारक के रूप में क्या जाता है? कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम इस पर्दा संदमक की तरह क्रिया करते हैं। देखिए ये क्या करेगा, जो स्टेनिन है वो क्या करता है कि वो एंजाइम जो कि कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए क्या जिम्मेदार है, तो उसके साथ कॉम्पिटिशन करता है और उसको कोलेस्ट्रॉल बनाने नहीं देता है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, तो ये जो रसायन है उसके बाद में एंजाइम है और जीव सक्रिय अणु है, ये पढ़ लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ तो अब देखिए, वैसे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है वायुतमल उपचार में सूक्ष्म जीव, लेकिन हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में, इसको लास्ट टॉपिक के तौर पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझाने वाला पोर्शन ज्यादा है और इसमें एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसको क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में नोट्स की हेल्प से आपको एक एक लाइन में क्लियर करूंगा। तो पहले, इससे पहले हम जो दूसरा टॉपिक है ना, जो इससे अगले वाला टॉपिक है जो बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, तो ये हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, बायोगैस, बायोगैस, तो बायोगैस, अरे नाम से पता चल रहा है कि बायो मतलब जीव, जीवों से बनाए जाने वाली गैस, जीव से बनाई जाने वाली गैस। आपने प्लांट डायवर्सिटी में पढ़ा भी होगा, तो मीथेनोजन बैक्टीरिया है वो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है और मीथेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बायोगैस कैसे बनाई जाती है और इसका क्या यूज होता है, उसका क्या यूज होता है, देखिए क्या यूज होता है, पहले तो मैं आपको समझाऊं कि क्या बायोगैस क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है, फिर एनसीईआरटी को समझते हैं। देखिए इस डायग्राम को देखिए, क्या होता है कि पहले तो जमीन के अंदर गड्ढा खोदा जाता है, खोद लिया गड्ढा, अब जो भी पशु होते हैं या जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले जो पशु है, उनसे निकलने वाला जो भी गोबर होता है, ठीक है, या ऐसा कोई भी मैटर जिसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता हो, ठीक है, तो उसको उस गड्ढे के अंदर क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। जो भी पशुओं से निकल, पशुओं का जो मल होता है, गोबर होता है, इसको गोबर गैस बनाई जाती है। आप नाम सुना होगा ना गोबर गैस, तो उसी के बारे में पढ़ने जाते हैं कि गोबर गैस कैसे बनाई जाती है या जो बायोगैस है वो कैसे बनाई जाती है। तो जमीन के अंदर गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोदने के बाद में आपको देखो दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ से तो एक चैम्बर तो वो है जिस तरफ से गोबर और जो जल है उसका मिक्सचर डाला जा रहा है, और ये वो गड्ढा है, ये वो गड्ढा है। अब गोबर जब डाला जा रहा है या गोबर और जब जल जब डाला जा रहा है, तो आपको पता है कि ये कहाँ से आया, रूमिनेंट्स के अंदर से आया, और रूमिनेंट्स जो है उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, और सेलुलोज का डाइजेशन करके कई प्रकार की गैसेज प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से मुख्यतः क्या होती है, CH4 मीथेन, जो क्या होती है, ज्वलनशील होती है। क्या होती है, ज्वलनशील, मतलब जिसको आग जलाने की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जो पशुओं से क्या आया है, वो गोबर जो आया है उसमें क्या होगा, सेलुलोज भी होगा, सेलुलोज भी होगा, और उसमें सेलुलोज का डाइजेशन करने वाले बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उस गोबर को यहाँ पर डाला गया, उस गोबर को यहाँ पर डाला गया, अब वो चला गया कहाँ पर, इस गड्ढे के अंदर वो आ गया, इस गड्ढे के अंदर वो देखिए आ गया, ये क्या भरा हुआ, पूरा का पूरा ऐसा गोबर भरा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, बैक्टीरिया है, क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, और वो क्या करेंगे, सेलुलोज का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, और सेलुलोज का जब डाइजेशन करेंगे तो उसकी बाद में क्या निकलेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे, CH4 निकलेगी और CO2 मेनली, देखिए यहाँ पर डेड गैस कर रखा है ना, तो ये जो गैस और भी होती है लेकिन मेनली कौन होती है, CH4 और CO2 गैस होती है। अब ये CH4 और CH2 जो गैस है, सॉरी CH4 और जो CO2 गैस है, ये क्या होती है, ज्वलनशील होती है, तो इनको आग जलाने की तरह से यूज किया जाता है। तो ऐसे ऊपर, इसके ऊपर ये क्या क्या रखा हुआ है, गैस होल्डर रखा हुआ है, ये देखिए एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या रखा हुआ है, गैस होल्डर, जिसके अंदर ऐसे गैस भरती रहेगी, जो भी यहाँ पर गैस जो बनेगी वो ऐसे ऊपर जाकर के इसमें, इस गैस होल्डर में क्या होती रहेगी, इसे जमा होती रहेगी, और फिर ये जो यहाँ पर गैस बनी है इसको बाहर घरों में सप्लाई कर दिया जाएगा, या फिर जहां पर भी इसका स्टोरेज किया जा रहा है वहां पर इसको सप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। और ये जो दूसरा स्लज है, ये दूसरा आपको जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है,
ये दूसरा आपको जो कंपार्टमेंट दिख रहा है, इसमें क्या होगा, जो भी आपने इधर से गोबर डाला था, इधर से जो गोबर आपने डाला उसका यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद में तो जो गोबर जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको किधर निकाल लिया जाता है, इसमें बाहर निकाल लिया जाता है। एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी खचपच मच गई, तो मैं आपको वापस समझाता हूँ ऐसे क्या हुआ। यहाँ पर आपने गोबर डाला, यहाँ पर गोबर का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद में गैस तो निकाल ली गई यहाँ पर, और इधर से क्या दे दी गई, उसको सप्लाई दे दी गई। अब जिस गोबर का डाइजेशन हो चुका है, जिस गोबर का डाइजेशन हो चुका है उसको इधर निकाल लिया जाता है, जिसको क्या बोलेंगे हम, स्लज बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्लज बोलेंगे। अब इसका उपयोग भी, इसको भी वेस्ट नहीं किया जाता, इसको ऐसे नहीं कि फेंक दिया, इसको खेतों के अंदर उर्वरक की तरह यूज किया जाता है, खाद की तरह इसको यूज किया जाता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट था, हमको जो गोबर जो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट नहीं, वेस्ट लग रहा था, वेस्ट प्रोडक्ट लग रहा था, WASTE, वेस्ट लग रहा था, उसको हमने क्या बना दिया, वेस्ट से क्या बना दिया, हमने बेस्ट बना दिया, क्या बना दिया, बेस्ट बना दिया। तो उससे एक तो जो गैसेज निकल रही है, क्या उससे एक तो गैस निकल रही है, जिस काम जैसे घरों के अंदर खाना पकाने की तरह उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, ज्वलनशील होती है। और जो स्लज मिल रही है उसको हम खेतों में उर्वरक की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो फायदे हुए कि नहीं, हुए ना दो फायदे। तो जो बैक्टीरिया यहाँ पर जो प्रेजेंट है, जो सेलुलोज का डाइजेशन कर रहे हैं, उन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, मीथेनोजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीथेनोजन। क्योंकि जो जनरली जो गोबर गैस है उनमें से मुख्यतः गैस कौन सी होती है, CH4। CH4 को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, CH4 मतलब मीथेन। तो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया क्या हो गए, मीथेनोजन हो गए, जन का मतलब क्या, प्रोड्यूस करना। तो मीथेन बनाने वाले क्या हो गए, मीथेनोजन बैक्टीरिया हो गए। अब पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है, अब हमें समझने की बात है, पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो देखिए, बायोगैस एक प्रकार से गैस हो, जिसमें मुख्यतः, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यतः कौन सी गैस होती है, मीथेन का मिश्रण है, जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से क्या होती है, हमको वो प्राप्त होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपापचयन के दौरान सूक्ष्म जीवी विभिन्न किस्मों के गैस या अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जो गैस उत्पन्न होती है वह इन सूक्ष्म जीवों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। अब वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर पर, जो जिस ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन किया जा रहा है बैक्टीरिया के द्वारा, जिस ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन बैक्टीरिया के द्वारा किया जा रहा है, वो ऑर्गेनिक मैटर जैसा होगा उससे प्रोड्यूस होने वाली गैस भी क्या होगी, वैसी, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा अलग अलग गैसेज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। उपयुक्त तो उदाहरण जो हमने, हम पहले पढ़ करके आ चुके हैं, उपयुक्त उदाहरण जैसे गीले आटे का किण्वन, पनीर का निर्माण तथा पेय उत्पादों में CO2 गैस मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन यूज हो रहा था, बैक्टीरिया यूज हो रहा था, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, और किण्वन के द्वारा भी क्या निकलती है, CO2 गैस। तो यहाँ पर भी बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी CO2 गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। यदि भी कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजी पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, सेलुलोजी पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, CO2 तथा H2 के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को क्या बोला जाता है, मीथेनोजन। देखिए, जो बैक्टीरिया बायोगैस या गोबर गैस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस गोबर गैस में मेनली क्या पाई जा रही है, मीथेन पाई जा रही है। और उस मीथेन का प्रोड्यूस करने वाले, या बायोगैस का प्रोड्यूस करने वाले, या गोबर गैस का प्रोड्यूस करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या बोला जा रहा है, मीथेनोजन बोला जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल है मीथेनो बैक्टीरियम। माइको बैक्टीरियम तो डिजीज कोज करता है, यह कौन सा है, मीथेनो बैक्टीरियम। बैक्टीरिया या जीवाणु सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है। देखिए, आपने प्लांट डायवर्सिटी में, या जो 11th क्लास की जो शुरू सेकंड नंबर का जो चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें पढ़ा होगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का एक मेंबर होता है। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, जैसे उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया किया हुआ है ना, हेलोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस और मीथेनोजन। तो मीथेनोजन जो है वो मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो रूमिनेंट्स जो पशु होते हैं,
रूमिनेंट्स जो पशु है उनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करके मीथेन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये गाढ़े कीचड़ के अंदर भी पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? अवायवीय गाढ़े कीचड़ में भी पाया जाता है, जिसका उपचार वायुमल में पहले किया गया, वायुमल में पहले किया गया है। ठीक है, तो वायुमल उपचार में इसको हम पढ़ेंगे। यह जीवाणु पशुओं की रूमेन में भी पाया जाता है, बताया ना मैंने पहले इसको बता दिया। रूमेन रूमेन मतलब जो जुगाली करने वाले पशु है ना, उनका स्टमक चार पार्ट में डिवाइड रहता है, चार पार्ट में डिवाइड रहता है, तो उसी में से एक पार्ट का नाम है रूमेन। क्या होता है? रूमेन। तो यह रूमेन में देखने मिलता है, उसके चार पार्ट है, रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेसम होता है, एबओमेसम होता है, तो ये चार पार्ट है। लेकिन आपको याद नहीं रखना, आपको तो याद रखना है कि रूमिनेंट जो पशु है उनके आमाशय का एक पार्ट है जिसका नाम होता है रूमेन। वहां पर कौन पाया जाएगा? मीथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाएगा। और मीथेनोजन बैक्टीरिया और कहाँ पर देखने मिलता है? तो जो दलदली या जो कीचड़ वाली जो जगह है, अवायवीय कंडीशन में पाया जाता है। करेगा क्या? रूमेन में सेलुलोजी पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। रूमेन में जीवाणु सेलुलोजो तोड़ने में सहायक होता है और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है ना। क्या आप समझते हैं कि अपने आहार में उपस्थित सेलुलोज को हम मानव भी पचाने में योग्य है या नहीं है? तो हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर, मानव के अंदर, सेलुलोज को पचाने वाला जो एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सेलुलेज, वो एब्सेंट होता है। इसलिए हमारे फूड के अंदर जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन नहीं हो सकता ह्यूमन के अंदर, क्योंकि उसको डाइजेशन करने वाला जो एंजाइम है वो हमारे अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब जो टेक्निक बैक्टीरिया उनके अंदर, किनके अंदर, रूमिनेंट्स पशुओं के अंदर यूज कर रहे थे, उस टेक्निक को हम अपने फायदे के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कैसे? मैंने आपको पहले डायग्राम की हेल्प से समझा दिया ना, ये यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझा दिया कि कैसे गोबर गैस बनाई जाती है। तो हमने पशुओं से भी देखी देखे क्या कर लिया, आइडिया चुरा लिया। तो क्या करेंगे? इस प्रकार पशुओं के मल मतलब डंग या जिसको गोबर बोलते हैं, सामान्यतः तो गोबर कहते हैं, ये जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। बताया ना मैंने कि गोबर के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, और उसमें बहुत ज्यादा संख्या में ये बैक्टीरिया भी आपको देखने मिलेंगे। गोबर में पादपों के सेलुलोज व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्य तो गोबर गैस भी कहते हैं। बताया ना मैंने, बायोगैस का दूसरा नाम क्या होता है, गोबर गैस होता है। और कैसे कैसे क्या ये गैस बनती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो डायग्राम है इसके बारे में, ये जो बायोगैस जो प्लांट होता है या जिसको हिंदी में बायोगैस संयंत्र बोलते हैं, वो कैसे कैसे बनाया जाता है, किस तरह से वो बना होता है। बायोगैस संयंत्र एक टैंक जनरली 10 से 15 फीट गहरा होता है, उसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की कर्दम मतलब वही जो जल और जो गोबर है उसका मिक्सर डाला जाता है। कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है, उसको ढक दिया जाता है। सूक्ष्म जीव सक्रियता कारण कारण टैंक में गैस बनती है। वो जो हमने 10 से 15 मीटर का सॉरी फीट का जो गड्ढा होता है या टैंक जो रखा है, उसमें गैस बनेगी जिससे ढक्कन ऊपर उठता है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है, और वो गैस कहाँ पर भर जाएगी? देखिए ये देखिए इसके अंदर क्या होगी, वो भर जाएगी, इसके अंदर गैस भर जाएगी। इसको क्या बोल रहे हैं हम, गैस होल्डर बोल रहे हैं। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। किसे जुड़ा हुआ है? पाइप से। इस पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है, बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। देखिए इससे फायदा क्या हुआ? देखो जनरली जनरली इंडिया की जो अभी, तो देखिए घर घर में क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, लेकिन फिर भी आज भी गांवों के अंदर खाना पकाने के लिए क्या किया जाता है, चूल्हे का उपयोग किया जाता है। तो चूल्हे में क्या होगा, चूल्हे में क्या होगा, ईंधन जलाया जाएगा। अरे ईंधन जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पेड़ काटने पड़ेंगे। अब पेड़ काटेंगे तो हमारा वातावरण जो वो प्रदूषित होगा कि नहीं, तो उसका सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट हमने ढूंढ लिया कि पेड़ मत काटो भाई, बायोगैस की हेल्प से क्या करो आप, ऐसे क्या करो, खाना पकाइए। तो फायदा हो गया कि नहीं, फायदा हो गया।
बायोगैस की आपूर्ति की जाती है और उपयोग की गई कर्दम जिसको सलज बोल रहे थे, दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में, गोबर निर्माण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो खाद के रूप में करेंगे। ये जो हम अभी जो ये प्लांट हमने पढ़ा, मतलब कौन सा प्लांट, अरे कौन सा प्लांट है, अरे गोबर गैस, ये जो हमने विधि तैयार की है, ये जो हमने पढ़ा, ये जनरली देखो कहां पर देखने मिलेगी, ये कहां पर बनाया जाएगा, 1 मिनट, बायोगैस जो प्लांट हमने पढ़ा ना अभी, या जो गोबर गैस जो हमने प्लांट पढ़ा, ये कहां पर बनाया जाएगा जनरली। अब मान लो, अरे ऐसी जगह तो आप बना ही नहीं सकते जहां पर कोई पशु ही नहीं पाले जाते हो। मान लो कि जो शहरी इलाके हैं, तो वहां पर तो पशु जनरली नहीं पाले जाते। जब पशु ही नहीं होंगे तो उनसे निकलने वाला वेस्ट भी हमको नहीं मिलेगा, और वेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर गोबर गैस या बायोगैस बनाएंगे कैसे, या बायोगैस प्लांट लगाएंगे कैसे। तो ये जनरली कहाँ पर लगाया जाता है, गाँव के अंदर, क्योंकि गाँव के अंदर क्या पाले जाते हैं, पशु पाले जाते हैं, और पशु पाले जाते हैं तो वहां पर ये बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं। तो कहाँ पर लगाया जाता है, ये जहां पर क्या पाले जाते हैं, पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस प्लांटों, यहाँ पर जब प्लांट नाम आ रहा है तो प्लांट का मतलब पेड़, मतलब समझ लेना आप, प्लांट का मतलब पेड़ मत समझ लेना आप। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस प्लांटों को अधिक बनाया जाता है। उपयोग बायोगैस को, बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने तथा प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। बायोगैस जो प्लांट है उसका डायग्राम आपने देख लिया। भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, देखिए इंडियन, इंडियन 1 मिनट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब जब हिंदी को, अब जब ये भी जो हिंदी वर्ड आया ना, इसको आप जब लिखोगे ना, भारतीय मतलब इंडियन, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, अनुसंधान मतलब रिसर्च, संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट, तो इसकी अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए, फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि IARI की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लो वहीं पर, IARI लिख करके लिख लो फुल फॉर्म, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये बोला जाएगा। और दूसरी एक और इंस्टीट्यूट, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। यदि आपका विद्यालय किसी गांव अथवा गांव के आसपास स्थित है, तो इसका पता लगाकर बायोगैस संयंत्र को देखने जाए, और जो लोग इसके प्रबंधन से जुड़े उन लोगों से मिले, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मिलेंगे, कभी टाइम मिलेगा तब मिलेंगे, अभी तो हमको नीट की तैयारी कर लेने दीजिए। ठीक है, तो ये NCERT अपना यहाँ पर ज्ञान बांट रही है कि आप जाइए उन लोगों से मिलिए जो बायोगैस प्लांट लगाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, क्या है। फिलहाल अभी तो आप किताब से पढ़ लो, बाद में देख। हाँ, तो अब देखिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, बायो कंट्रोल एजेंट्स, जो माइक्रोब्स है ना, उनको बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इस टॉपिक की हेडिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में पढ़ने वाले क्या है। तो जो फसल होती है, आपने देखा होगा कि फसल को कभी कभी क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, या कोई उन पर पीड़क या कोई इंसेक्ट क्या कर देता है, अटैक कर देता है, जिससे पूरी की पूरी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए जो फार्मर्स है, तो वो जनरली क्या करते हैं, जनरली देखिए पहले बात को पूरी सुनना आप, उसके बाद में आप, आपको समझ में आ जाए आएगा। तो क्या किया जाता है कि उसमें जो केमिकल्स है, ठीक है, आपको पता है ना कि जो पेस्टिसाइड होगी, इंसेक्टिसाइड होगी, ये जो केमिकल्स होते हैं वो फसल के अंदर या खेत के अंदर डाल दिए जाते हैं, तो उससे क्या हुआ, कीड़ा लगना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, या कोई भी जो पेस्ट है उस पर अटैक नहीं करता। तो आपने इतना ही देखा होगा और इतना ही आपने सुना होगा, लेकिन इससे क्या है कि नुकसान, बहुत ही भारी नुकसान हमको झेलना पड़ सकता है। अब आप एक चीज सोचिए कि मान लो कि जो खेत था, जो फसल थी, उस पूरे के पूरे खेत में 10 इंसेक्ट थे, कितने इंसेक्ट थे, 10 इंसेक्ट थे। अब 9 तो बेचारे ऐसे थे जो फसल को कुछ नुकसान पहुंचा नहीं रहे थे, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन एक इंसेक्ट ऐसा था जो कि फसल को क्या कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। तो जब आप कोई भी केमिकल जो खेत के अंदर डालोगे, तो उसका इफेक्ट तो जो
वहां पर प्रचंड 10 के 10 इंसेक्ट है, उन सभी पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आपके लिए हानिकारक कितने? एक हानिकारक। आप मार कितने को रहे हो? 10 को मार रहे हो। तो इससे नुकसान की आप सोचो, क्या कीड़े मकोड़े मर गए, इंसेक्ट मर गए, तो हमको क्या? आपको पता है कि हम एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से इकोसिस्टम के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से अंदर तरीके के द्वारा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बायोडायवर्सिटी उसका लॉस हो रहा है, इकोसिस्टम क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, अगर आपने अभी भी नहीं समझा तो आप एक चीज सोचिए कि आप सभी के सभी चूहों को मार दोगे तो फिर बिल्ली क्या खाएगी? तो बिल्ली भी नष्ट हो जाएगी। अब बिल्ली मर जाएगी तो कुत्ता भी मर जाएगा, और कुत्ता मरेगा तो शेर मरेगा। तो ऐसे तो पूरी पूरी बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पूरी अर्थ क्या हो जाएगी, अर्थ पर जितनी भी जो पॉपुलेशन है, जितनी भी जो अलग अलग स्पीसीज, वो क्या होने लग जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी, और आखिर में हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो फिर एक तो मैंने क्या बता दिया कि जब इनसे आप कोई भी केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटकनाशी, कीटनाशी आप जब डालोगे खेतों के अंदर, तो उससे एक तो क्या हो रहा है, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है। और दूसरी बात क्या कि जब आप उन सब्जियों को, उन फलों को खाओगे, वो केमिकल्स आपके अंदर भी जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उससे आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, कई आपको हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए। तभी तो बोला जाता है ना कि फलों को, सब्जियों को उबाल करके, धो करके खाना चाहिए। दूसरा नुकसान, तीसरा नुकसान समझिए आप कि वो जो आप केमिकल्स जो डाल रहे हो वो कहाँ पर जाएंगे, मृदा के अंदर जाएंगे, तो मृदा प्रदूषण हो रहा है। चौथी चीज, मान लो कि मृदा के अंदर वो प्रेजेंट है वो केमिकल, अब बरसात आई तो बरसात के पानी के साथ बह करके वो केमिकल कहां पर चलेंगे, आपके जो जल स्रोत है वहां पर चलेंगे, तो जल प्रदूषण। तो जो आपको सीधा सीधा आपको फायदा नजर आ रहा था, उसके पीछे कई प्रकार के आपको हानि भी छिपी हुई है। आप केमिकल्स डाल रहे हो, आपकी फसल लगातार ग्रो कर रही है, तो ये आपको फायदा डायरेक्टली नजर आ रहा है, लेकिन आप इसके पीछे जाकर के देखोगे, जो मैंने अभी आपको बातें बताई, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बायोडायवर्सिटी लॉस, तो ये नुकसान हो रहा है कि नहीं। अभी हो सकता है कि नुकसान हमको डायरेक्ट ना दिखाई दे, लेकिन इनडायरेक्ट तो नुकसान है ना। तो देखिए एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, नुकसान बताया। फिर इसका दूसरा तरीका क्या है कि चलो भाई हम केमिकल्स नहीं डालेंगे, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, तो फिर करेंगे क्या? तो वही तो इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं, वही तो इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं। देखिए क्या करें, एनसीईआरटी पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में एक समस्या रसायनों, कीटनाशियों, पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। ये रसायन मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैलता हानिकारक है। यह पर्यावरण मतलब मृदा, भूमिगत जल को प्रदूषित करते तथा फलों, साग सब्जी और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है, यह भी हमारी मृदा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। खरपतवार आपने नाम सुना होगा, मान लो कि आपने गेहूं की फसल उगाई, तो गेहूं के साथ और छोटे छोटे घास फूस उग जाते हैं ना, तो उनको क्या बोला जाता है, खरपतवार बोला जाता है। तो उनको भी नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, खरपतवार नाशियों को मतलब केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो इन सभी से हमको क्या होगा, नुकसान होगा। अब आप सोच रहे कि भाई नुकसान तो बता दिया, फिर इसका इलाज क्या है? इलाज देखिए शुरू में बता दिया, टॉपिक का नाम ही क्या है, टॉपिक का नाम देखिए आप क्या है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो आप एग्जाम्पल से समझिए कि मान लो कि एक लाइब्रेरी है जहां पर बहुत सारी क्या रखी हुई है, बुक्स रखी हुई है, बुक्स रखी हुई है। तो वहां पर क्या है, उस लाइब्रेरी में चूहे हैं जो बुक्स को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, कुतर रहे हैं उसको, बुक्स को, किताब को काट रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, एक दिन के लिए वहां पर ला करके बिल्ली छोड़ दीजिए, तो बिल्ली क्या करेगी, चूहों को मार करके नष्ट कर देगी, और बिल्ली ऐसे थोड़ी है कि वो बुक्स को खाएगी। तो इससे क्या होगा, चूहा भी मर गया, बुक्स भी बच गई। मतलब जो नुकसान पहुंचा रहा है उसका प्राकृतिक जो शिकारी है, प्राकृतिक जो परभक्षी है, प्राकृतिक परभक्षी, उसको ले जाकर के वहां पर छोड़ दो आप। ठीक है, मान लो कि जैसे फसल पर कोई 10, वहां पर जो फसल है वहां पर 10 इंसेक्ट है, 10 में से 3 ऐसे हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचा रहे, और 7 ऐसे हैं जो कि फसल को कुछ नुकसान पहुंचा नहीं रहे। तो 3 जो वो नुकसान पहुंचा रहे उनके प्राकृतिक परभक्षी, प्राकृतिक परभक्षी मतलब जैसे चूहे को कौन खाती है, बिल्ली खाती है, तो नेचुरली है ना वो। बिल्ली को कौन खाता है, कुत्ता खाता है, तो कुत्ता क्या है, बिल्ली का प्राकृतिक परभक्षी है।
नेचुरल प्रीडेटर। तो ऐसे ही क्या करो, जो नुकसान पहुंचा रहे उनके प्राकृतिक परभक्षी को ले जाकर के वहां पर फसल के आसपास, आप खेत के आसपास छोड़ दो। ठीक है, तो तीन नुकसान पहुंचा रहे थे, आपने क्या किया, तीनों के प्राकृतिक परभक्षी लाए और वहां पर आपने छोड़ दिए। तो वो क्या करेंगे, तीनों को खा पी करके खत्म कर देंगे, खत्म पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, उनका नंबर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और बाकी जो सात बच गए, जो आप कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे वो भी बच गए। तो ये आसान तरीका है कि नहीं? लेकिन आपके दिमाग में फिर एक चीज आ रही थी कि पहले भी हम क्या कर रहे थे, इंसेक्ट को मार रहे थे, अब भी इंसेक्ट को मार रहे हैं, तो अब भी तो बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है। लेकिन एक चीज आप समझना कि जो शिकारी होता है ना, शिकारी जो शिकार करता है वो बहुत ही चालाक होता है, वो बहुत ही चालाक होता है। अगर बिल्ली सभी चूहों को मार करके नष्ट कर दे तो फिर थोड़े दिनों बाद में बिल्ली भी मर जाएगी। तो जो शिकारी होता है ना, वो थोड़ा क्या होता है, धैर्यवान होता है, धीरे रखने वाला होता है, मतलब कम खा लूंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा, इसको पूरी तरह से अगर नष्ट किया तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर के मैं भी मर जाऊं। तो जो शिकारी होगा, प्रीडेटर होगा, वो क्या करेगा, उनको पूरी तरह से नष्ट नहीं करता है, सिर्फ उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनके नंबर को क्या करता है, घटाता है। आई बात समझ में? इससे क्या है, बायोडायवर्सिटी लॉस नहीं होगी। तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैव नियंत्रण, मतलब जैव नियंत्रण मतलब जीवों का नियंत्रण। जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे वो क्या थे, जीवी तो थे, इंसेक्ट थे, पेस्ट थे, पीड़क थे, मतलब कीड़े मकोड़े वही तो थे। तो जीवों का नियंत्रण किया जा रहा है किसकी हेल्प से, सूक्ष्म जीवों की हेल्प से। आई बात समझ में? तो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कृषि में पीड़ों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। बताया ना मैंने, ऑर्गेनिक फार्मर के अनुसार जैव विविधता स्वास्थ्य की कुंजी है। मैंने बताया ना कि बायोडायवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी तो इकोसिस्टम उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, और जब इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा तो वहां पर सभी क्या कर सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे, सभी को फूड अवेलेबल होगा। भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी वह उतनी अधिक स्थायित्व प्रदान करती है, वही बात है। अतः ऑर्गेनिक फॉर्मर एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। अगर कोई फॉर्मर ऐसी खेती करता है जिसमें जैव नियंत्रण विधि का यूज किया जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इकोसिस्टम को डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिसमें कीट इन्हें पीड़क भी कहते उन्मिलित उन्मिलित ना हो, वे इसके बजाय उन्हें नियंत्रित स्तर पर जीवित व कंपायमान पारिस्थितिक तंत्र के बीच संतुलन तथा जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करती। देखिए इस लाइन का मीन क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्राकृतिक परभक्षी होता है वो क्या होता है, धैर्यवान होता है, धैर्य रखता है वो, मतलब पूरी तरह वो क्या करेगा, अपने शिकार को, शिकारी जो है अपने शिकार को पूरी तरह से क्या करेगा, नष्ट नहीं करेगा, ऐसे नहीं कि उसकी प्रजाति को नष्ट कर दे वो। उन्मूल जो ये वर्ड आया ना, उन्मीलित मतलब पूरी तरह से नष्ट होना, मतलब वहां से गायब हो जाना। तो उन्मिलित यहाँ पर उन्मूलन थोड़ी हो रहा है, सिर्फ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत। अभी जो हमने पढ़ी, ये जो हमें अभी जो फार्मिंग पढ़ी, जैव नियंत्रण जो विधि पढ़ी, इसमें तो क्या 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 किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। इसके जो विपरीत दूसरी जो टेक्निक होती है जिसमें हम क्या 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 करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर जो लाभदायक है उसको भी मारा मारा जाता है और जो हानिकारक है उसको भी मारा जाता है, जिससे क्या होती है, बायोडायवर्सिटी लॉस। लाभप्रद तथा हानिकारक बागवानी जीवों को रसायन के प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रात्मक दृष्टिकोण, इसमें करोड़ जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है। खेत प्राणी जात, खेत में जो एनिमल्स है, जो भी पीड़क है या जो भी कोई इंसेक्ट है, उनको तो क्या बोला जाता है, फोना, और जो वहां पर प्लांट उनको क्या बोला जाता है, फ्लोरा बोला जाता है, फ्लोरा का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर, एक मिनट, ऑर्गेनिक फार्मर में बहुधा बहुधा दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। उदाहरणतः जीवों का उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा गया, उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। देखिए मैंने बताया ना कि जब हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे जाकर के समझे तो हमको यह समझ में आएगा कि सभी माइक्रोब्स को पूरी तरह नष्ट किया जाना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम पूरे माइक्रोब्स को जो नुकसान पहुंचा रहे उनको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ऐ तो उनको नष्ट करना पूरी तरह से क्या है, मुश्किल है,
और दूसरी बात, चलो कर भी दिया उनको नष्ट, तो तब भी हमको क्या नुकसान है बताए ना। अगर कोई चूहा मर रहा है तो उसके साथ साथ बिल्ली भी तो मर रही है, तो आप अगर किसी एक स्पीशीज को वहां से हटा रहे हो तो उसके साथ साथ जो उसको खाने वाली जो स्पीशीज है वो भी क्या होगी, वहां से हट सकती है। इससे क्या हो सकता है, इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। इसके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे जो कीट पीड़कों पर अपने पोषण तथा भोजन के लिए आश्रित है। बताया ना, वही बात आ गई। इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर जो हमारी आश्रित है काफी हद तक घट जाएगी। अगर हम इस टेक्निक्स का यूज लेंगे तो जो हम केमिकल्स यूज करेंगे उस जो केमिकल्स पर हम डिपेंड है अपनी फसल को बचाने के लिए, तो उन केमिकल से बचा जा सकता है। ठीक है, ये तो हमने टेक्निक पढ़ ली कि भाई क्या क्या कैसे कैसे क्या किया जाता है, लेकिन अब हमको ये पढ़ना है कि कौन कौन से जीवों को यूज किया जाएगा, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कौन कौन से जीवों को यूज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल यहां पर दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल, जाना पहचाना भृंग बीटल, जिन पर लाल तथा काली धारियां पाई जाती। एक तो कौन है, लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल, पूरा नाम इसका लेडी बर्ड बीटल, जिस पर क्या पाई जाती है, लाल और काली धारियां पाई जाती। गांव में जो रहते हैं उन्होंने देखा भी होगा, ये छोटा सा जैसे जीव आता है ये, जिस पर वैसे क्या होता है रेड कलर का होता है, लेकिन इस पर थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं। और दूसरा है ड्रैगन फ्लाई, क्या करेंगे, एक तो है कौन सा, लेडी बर्ड बीटल, और दूसरा है ड्रैगन फ्लाई, अरे जिसको बोलचाल की भाषा में बोल देते ना, हमारी तरफ उसको मूंगा बोला जाता है, तो ये क्या होता है, हेलीकॉप्टर की तरह आता है। तो ये क्या करेंगे, दोनों क्रमशः एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलाने में अत्यंत ही लाभ पड़ता है। देखिए ध्यान से समझना आप, यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ है, क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब जो पहले है उसका शिकारी पहले, जैसे बीटल पहले आ रहा है ना, तो बीटल किसको मार रहा है, एफिड को मार रहा है, और ड्रैगन फ्लाई बाद में आ रहा है ना, तो ड्रैगन फ्लाई किसको मार रहा है, मच्छरों को क्या कर रहा है, मार रहा है। ठीक है, तो जो बीटल है वो तो किससे छुटकारा दिला रहा है, एफिड से, और जो ड्रैगन फ्लाई है वो किससे छुटकारा दिला रहा है, वो मच्छरों से छुटकारा दिला रहा है, तो मच्छरों से क्या कर रहा है, छुटकारा दिला रहा है। तो एक एग्जाम्पल, सॉरी दो एग्जाम्पल आपने पढ़ ली, एक तो बीटल दूसरा ड्रैगन फ्लाई। बीटल किसको मारेगा, एफिड को, ड्रैगन फ्लाई किसको मारेगा, मच्छरों को। दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा, परंतु जहां तक सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न हुआ, बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरी एंजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिलस थ्यूरी एंजेनेसिस जिसको शॉर्ट में बीटी भी बोला जाता है, का प्रयोग बटरफ्लाई बटरफ्लाई के कैटरपिलर को नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है जी साहब, अब जो बेसिलस थ्यूरी एंजेनेसिस है इसको किसके लिए यूज किया जाता है, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब आपको पता है कि जो बेसिलस थ्यूरी एंजेनेसिस वो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। तो प्लांट डायवर्सिटी में आप पढ़ते हो या मोनेरा किंगडम में पढ़ते हो कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो बैक्टीरिया एज इट इज रहता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो बैक्टीरिया क्या बना लेता है, स्पोर्ट्स का निर्माण कर लेता है। तो वो स्पोर्ट्स क्या करेंगे, अत्यधिक रजिस्टेंस होते हैं, मतलब मान लो कि अगर कोई टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, अगर पीएच ज्यादा है, तो बैक्टीरिया क्या बना लेगा, स्पोर बना लेगा, और वो स्पोर क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब उस पर पीएच का टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और फिर वापस में जब क्या आएगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो वो स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना लेंगे, वापस से बैक्टीरिया बना लेंगे। तो ये जो बेसिलस थ्यूरी एंजेनेसिस है, इनके स्पोर्स क्या होते हैं, मार्केट में उपलब्ध स्पोर्ट्स क्या है, मार्केट में उपलब्ध है, जो कि क्या होते हैं, सुगंधित थैलियों के अंदर पाए जाते हैं, सुगंधित थैलियों के अंदर हमको मिलते हैं। उन स्पोर्ट्स को क्या किया जाता है, लाया जाता है, पानी के अंदर मिलाया जाता है, और उस पानी और जो मिक्सर है उसको फिर जो फसल है वहां पर उसको छिड़क दिया जाता है। तो ये देखो क्या हो रहा है कि सूक्ष्म बीजाणु स्पोर्ट्स सुगंधित थैली के रूप में उपलब्ध है, जिन्हें पानी मिला दिया जाता है, और इस मिश्रण को 2 स्पून पात, जैसे सरसों, सरसों क्या बोलते हैं, ब्रैसिका, फलो वृक्ष जिनकी पत्तियां, फलो वृक्षों, देखिए यहां तक समझिए आप, मतलब तो भाई पानी के अंदर मिलाया, फसल पर इसको छिड़क दिया, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फसल की जो पत्तियां हैं, फल है, जो वहां की जो फलियां है,
वहां पर ये क्या है प्रेजेंट, इनके स्पोर्स प्रेजेंट है, तो ये स्पोर क्या जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा, बैक्टीरिया बना लेगा। अब कोई इंसेक्ट जब फसल को फसल पर अटैक करेगा, या कोई भी जब पीड़क है या कोई भी जो कीड़ा है वो फसल पर अटैक करेगा, तो वो जब फसल को खाएगा ना, तो फसल पर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बेसिलस थुरिएंजिनेसिस। फसल पर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बेसिलस थुरिएंजिनेसिस। तो जब वो खाएगा ना फसल को, तो उसके साथ साथ वो बैक्टीरिया भी उस इंसेक्ट या उस पीड़क की आंत में क्या हो रहा है, मतलब एलिमेंट्री कनाल के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये बेसिलस थुरिएंजिनेसिस कहां पर चला गया, जो भी अटैक कर रहा है उसके एलिमेंट्री कैनाल में चला गया। अब एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद में ये एक स्पेशल टाइप का केमिकल सिक्रेट करता है, स्पेशल टाइप का क्या करता है, केमिकल सिक्रेट करेगा। उस केमिकल की वजह से क्या होगा, इसकी एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। किसकी, अरे जो अटैक कर रहा है उसके एलिमेंट्री कैनाल में छेद हो जाएंगे और वो आखिर में क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, तो अगर वो समझ गया, अगर हमने इस फसल को खाया तो हमारी डेथ हो सकती है, इसलिए वो फसल को डैमेज नहीं कर सकता। तो एक तरीका यह है। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, वृक्षों जिनकी पत्तियां, वृक्षों जिनकी पत्तियां, एक मिनट, जो कीट है उनके लार्वा के द्वारा खा ली जाती है, पर छिड़काव किया जाता है। लार्वा की पाचन नली मतलब एलिमेंट्री कैनाल, एक मिनट, पाचन नली एलिमेंट्री कैनाल में टॉक्सिन निकलता है और लार्वा क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देते हैं परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता है। देखिए अब ये जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर का जो लार्वा है, कैटरपिलर का लार्वा है, सिर्फ उसी को क्या करेगा, डैमेज करेगा। अगर मान लो कि कोई और हानिकारक जीव और सॉरी और कोई लाभदायक जीव है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये बेसिलस थुरिएंजिनेसिस है, वो सिर्फ किसको मारेगा, कैटरपिलर का जो लार्वा है उसको मारेगा, क्योंकि फसल को नुकसान कौन पहुंचा रहा था, वही पहुंचा रहा था। जो कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है उसको कोई हानि नहीं होगी इससे। ठीक है, अब एक चैप्टर आएगा इसी 12th क्लास में, एक चैप्टर है, एक नहीं दो चैप्टर है, तो वो एक दोनों चैप्टर मिलकर के एक यूनिट, जिसको बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया कि यार इतना लफड़ा ही मत पालो, आप स्पोर्स लाओ, बाजार से स्पोर लाओ और पानी के अंदर मिलाओ, उस पर छिड़को, तो इतना लफड़ा ही मत पालो आप। तो फिर क्या करें, तो हमने क्या किया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, क्या किया यार ये जो केमिकल सिक्रेट कर रहा है ये बेसिलस थुरिएंजिनेसिस, उसकी एलिमेंट्री कैनाल में, कैटरपिलर के एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद में ये जो केमिकल सिक्रेट कर रहा है ना, तो इस केमिकल को बनाने वाला कोई ना कोई जीन तो होगा ना। अरे हमारे अंदर कोई भी केमिकल बनता है तो उसको बनाने उसको कौन बनाता है, हमारे डीएनए में प्रेजेंट जो जीन है वही तो बनाते हैं। तो ऐसा करो कि इस बेसिलस थुरिएंजिनेसिस का वो जीन निकाल लो जो कि उस केमिकल को बना रहा है। किस केमिकल को, जो कि कैटरपिलर के लार्वा के लिए क्या है, हानिकारक है। तो उस जीन को निकाला हमने, उस जीन को निकाल करके फसल के अंदर ही डाल दो। आई बात समझ में, जैसे कपास है तो कपास क्या प्लांट ही तो है, तो प्लांट में क्या क्या होगी, सेल होगी, तो सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। तो उस डीएनए के साथ क्या कर दो आप, इस बेसिलस थुरिएंजिनेसिस के उस जीन को क्या कर दो आप, जोड़ दो, तो उस कपास के प्लांट के अंदर ही वो केमिकल बनने लगेगा। जो कपास का प्लांट है ना, उस प्लांट के अंदर ही ऐसा ये केमिकल बनने लगेगा। तो हमने ब्रीड के अंदर, फसल के अंदर ही वो जीन डाल दिया और फसल ही क्या कर रही, उस केमिकल को बना रही है। अब उस फसल को कोई भी अगर वो कैटरपिलर आकर के लार्वा आकर के अगर खाएगा तो वो क्या होगा, मर जाएगा। तो ये क्या बायोटेक्नोलॉजी है, जीन को एक जीन को निकाल करके दूसरे के अंदर डालना, ये क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी। तो चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया हमने, ऐसे जीन ट्रांसफर करके अलग अलग किस्में हमने बना ली, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया। बीटी का मतलब बेसिलस थुरिएंजिनेसिस का जीन निकाल कर किस में डाला, कॉटन में डाल दिया, मतलब जो कपास उसके अंदर डाला, तो उस ब्रीड का नाम क्या क्या पड़ गया, बीटी कॉटन। पिछले दशक में आनुवांशिक अभियांत्रिक मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, या जिसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, की विद्या के विकास से वैज्ञानिक बेसिलस थुरिएंजिनेसिस टॉक्सिन जीन को पादप में पहुंचा सके। ऐसे पादप पीड़क द्वारा
किए गए आक्रमण के प्रति क्या है? रेजिस्टेंस है। बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है। बीटी कॉटन क्या है? इसका एक उदाहरण है। बीटी कॉटन इसका उदाहरण है जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उत्पन्न किया गया है। आपको इसके बारे में आपको अधिक जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी, बिल्कुल वहां पर लेंगे हम जानकारी इसके बारे में। अभी तो मैंने आपको जितना बताया उतना आप पढ़ लीजिए। अगला है ट्राइकोडर्मा। कौन सा डर्मा? ट्राइकोडर्मा। क्या है? कवक है। क्या है? ट्राइकोडर्मा एक कवक है। और कैसा कवक है? मुक्त जीवी कवक है। देखिए, एक होता है सहजीवी और एक होता है मुक्त जीवी। सहजीवी तो जो मतलब हमेशा साथ रहेंगे, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, हमेशा क्या रहेंगे? साथ रहेंगे। तो वो तो क्या सहजीवी। मुक्त जीवी क्या होता है? जब काम पड़ेगा तभी एक दूसरे के पास में आएंगे। ये जो ट्राइकोडर्मा है, जब इसको प्लांट से कोई काम पड़ेगा, या जब प्लांट प्लांट को तो क्या पड़े प्लांट को पड़ेगा, इसको तो क्या काम पड़ेगा, तो ये क्या करेगा? प्लांट के पास जाएगा और अपना काम खत्म करके वापस आ जाएगा। तो ये क्या? मुक्त जीवी है, हमेशा साथ रहेंगे। वो क्या? सहजीवी। जो हमेशा साथ नहीं रहेंगे, सिर्फ काम के टाइम में एक दूसरे के पास पास में आएंगे, वो क्या है? मुक्त जीवी होते हैं। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है वो एक कवक, और कैसा कवक है? मुक्त जीवी कवक। और ये भी क्या करता है? कई प्रकार के पादप रोगों से क्या करता है? बचाता है फसल को। ठीक है जी साहब। अब अगला चौथे नंबर का है बेक्यूलो वायरसेस। बेक्यूलो वायरसेस ये क्या करता है? ये कीटों तथा संधिपादों, संधिपाद मतलब ऑर्थोपोडा। अरे ऑर्थोपोडा जो कीड़े मकोड़े ना सारे के सारे किसमें आते हैं? ऑर्थोपोडा फाइलम, जो कि क्या है? एनिमल किंगडम का एक फाइलम होता है। अरे जितने भी कीड़े मकोड़े हुए जिनके टांगों में क्या पाए, जॉइंट पाए जाते हैं। आप किसी मकोड़े को पकड़ना, मकोड़े को आप पकड़ना और आप देखना कि उसके टांगों में क्या पाए जाते हैं, जॉइंट पाए जाते हैं। तो ओड़ तो मतलब अरे जोड़, पोड़ा मतलब पैर, तो पैरों में क्या पाए जाते हैं? जोड़ पाए जाते हैं। तो बेक्यूलो वायरस किस पर अटैक करता है? कीटों पर, और ऑर्थोपोडा पर क्या करता है? हमला करता है। अब ये जो बेक्यूलो वायरसिस है वो कौन से जीनस के अंदर आता है? अधिकांश बेक्यूलो वायरसिस जो जैव नियंत्रण, जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारक की तरह से किए जाते हैं, वे न्यूक्लियो पोलीहाइड्रोसिस वायरस जीनस के अंतर्गत आते हैं। देखिए बेक्यूलो वायरसिस क्या कर रहा है? कीटो और ऑर्थोपोडा पर क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। ये कौन से वंश के अंतर्गत आता है? बेक्यूलो वायरसेस जो, वो कौन से वंश के अंतर्गत आता है? वंश आपने सुना होगा ना, इस जाति होगी, वंश होगी, कुल हो गया। तो वंश को इंग्लिश में बोला जाता है जीनस। ये वो पहनने वाली जीनस नहीं है, ये पहनने वाली जीनस नहीं है, ये वंश वाला जीनस है। तो बेक्यूलो वायरसेस कहाँ पर आ रहा है? न्यूक्लियो पोलीहाइड्रोसिस वायरस जीनस के अंतर्गत आता है। इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ, न्यूक्लियो पोलीहाइड्रोसिस वायरस जीनस के अंतर्गत आ रहा है। यह विषाणु जो है, सॉरी याद रखना है कि एक वायरस है ना कि बैक्टीरिया। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशकीय उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए। देखो एक यहाँ पर वर्ड आया, प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम। संकरे स्पेक्ट्रम मतलब संकरे स्पेक्ट्रम जो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है, उसकी रेंज कैसी होगी? नैरो हुई कि नहीं? संकरी। संकरी को इंग्लिश में बोलते हैं नैरो, ठीक है, जो लिमिटेड हो। तो ये सिर्फ किसी प्रजाति विशिष्ट पर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। बेक्यूलो वायरसेस किस पर अटैक करता है? कीटों पर और ऑर्थोपोडा पर क्या करता है? अटैक करता है। ऐसे नहीं किसी पर भी अटैक कर देगा। मान लो कि फसल को नुकसान तो कोई और ही ऑर्गेनिज्म पहुंचा रहा है, तो आप वहां पर ले जाकर के बेक्यूलो वायरसेस डाल दो, भाई फसल बच जाएगी। नहीं, अगर ऑर्थोपोडा है तब तो बच जाएगी, क्योंकि ये इसकी रेंज कैसी है? नैरो रेंज है। स्पेक्ट्रम कैसा है इसका? नैरो स्पेक्ट्रम है। विशिष्ट जाति पर क्या करता है? अटैक करता है। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों तथा अथवा यहां तक कि लक्ष्यविहीन कीट पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। बताया ना कि इनकी रेंज कैसी है? नैरो स्पेक्ट्रम है। रेंज कैसी है? नैरो स्पेक्ट्रम है। तो जाति विशिष्ट पर अटैक करता है। अदर जो मान लो कि जीव जैसे कि बर्ड्स हो गए, मछलियां होगी, स्तनधारी होगी, उनको कोई नुकसान या नहीं होता है। तभी तो एक अच्छा मेथड जैव नियंत्रण जो है वो एक अच्छा मेथड है। ठीक है जी साहब। तो ये क्या हो गया, हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। कौन सा?
जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका हम उर्वरक की तरह, खाद की तरह क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आपने नाम सुना होगा ना, केंचुआ। केंचुआ, तो केंचुआ को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र भी बोला जाता है, क्योंकि केंचुआ क्या करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। मिट्टी की क्या करता है, उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, लेकिन वो सूक्ष्म जीव थोड़ी है। अरे केंचुआ आंखों से दिखाई देता है कि नहीं, तो आप सोचो कि क्या केंचुआ तो इस एनसीईआरटी में कहीं पर यूज ही नहीं किया गया, तो केंचुआ सूक्ष्म जीव नहीं है। वो मैं आपको एग्जाम्पल देख कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जनरली केंचुआ तो आपने देखा भी होगा, उसका नाम आपने सुना भी होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव जो कि क्या करेंगे, जैव उर्वरक की तरह क्या करें किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। आज के तौर तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत चिंता होती है कि पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्या हो रहा है कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए हमको फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, तो फूड की डिमांड बढ़ रही है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि प्लांट जल्दी जल्दी ग्रोथ करे और उस पर कोई मतलब डिजीज ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो केमिकल्स की हेल्प से जो फसल है वो जल्दी ग्रोथ तो कर जाती है, लेकिन फ्यूचर में जाकर के उसको उसका हमको क्या इनडायरेक्ट नुकसान हमको झेलना पड़ रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण भी उसकी वजह से लगातार बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया कि बरसात आएगी, पानी बह करके जाएगा, आपके स्रोतों में मिक्स हो जाएगा, या आप जो फल या सब्जी खाते हो उसकी हेल्प से वो केमिकल आपके अंदर जा सकता है। तो इससे क्या कि मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। हालांकि हम समझने लगे कि रसायन उर्वरकों के अधिक प्रयोग से कई समस्या जुड़ी हुई है, अब हम समझ चुके हैं, हमको अकल आ चुकी है। तो इसका हमने दूसरा तरीका क्या निकाला, परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खेती में आप केमिकल्स का यूज ना करके क्या करें, आप जो जैव उर्वरक है, नाम समझिए आप, उर्वरक मतलब खाद, ऐसी खाद, नाम क्या शुरू में क्या लगा हुआ है, जैव, मतलब ऐसे जीव जो कि खाद की तरह क्या किया जाता है, इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हम जैव उर्वरक बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से दे रखे हैं, जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कौन है, जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत बैक्टीरिया, कवक, साइनो बैक्टीरिया। देखिए आपने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सिर्फ यही सुना होगा कि बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, ये हमको नुकसान पहुंचाते हैं और अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, डिजीज करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको नई नई चीजें सीखने मिल रही है कि सभी के सभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ हमको लाभ भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये उर्वरक की तरह कौन कौन यूज किए जाते हैं, जीवाणु हो गए, कवक हो गए, साइनो बैक्टीरिया हो गए। तो अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कौन से बैक्टीरिया, कौन से कवक, कौन से साइनो बैक्टीरिया। तो पहला आ रहा है लेग्यूमिनस, पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। लेग्यूमिनस प्लांट का एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जो चना होता है ना, चने का जो पादप होता है उसको आप उखाड़ना और उसके आप जड़ों को देखना, जो रूट्स है ना उनको आप ध्यान से देखना, तो उसमें आपको ऐसे छोटे छोटे गांठे सी गांठे, नोड, ऐसे नोड से नोड आपको क्या आएगी, नजर आएंगी, जिनको क्या बोला जाता है, रूट नोड्यूल बोला जाता है, या मूल ग्रंथि का बोला जाता है। इन ग्रंथिकाओं का निर्माण कौन करता है, राइजोबियम की हेल्प से किया जाता है। तो जो राइजोबियम है वो क्या है, बैक्टीरिया है, और वो क्या होता है, सहजीवी बैक्टीरिया, जो कि किसके साथ रहेगा, लेग्यूमिनस जो प्लांट है उनके साथ सहजीवी के रूप में पाया जाता है। करेगा क्या, अरे करेगा क्या, अब सहजीवी मतलब दो सहजीवी कौन होते हैं, जो कि साथ साथ रहेंगे और एक दूसरे को क्या पहुंचाएंगे, वो हानि नहीं फायदा पहुंचाएंगे। तो देखिए भाई इसमें बैक्टीरिया का तो क्या फायदा है और प्लांट का क्या फायदा है, ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, उस नाइट्रोजन को कौन लेगा, प्लांट लेगा। पादप इसका प्रयोग पोषकों के रूप में करता है, पोषकों के रूप में करता है, लेकिन प्लांट का क्या फायदा है इसमें,
सॉरी प्लांट का फायदा तो हमने समझ लिया, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ना राइजोबियम, इसका क्या फायदा है? इसको एक तो हैबिटेट मिल रहा है, रहने के लिए आवास दे दिया, प्लांट से खाने के लिए न्यूट्रिशन लेगा, और प्लांट के पास रह रहा है तो प्रोटेक्शन भी इसको मिल रही है। क्या मिल रही है? प्रोटेक्शन इसको मिल रही है, क्योंकि रूट की नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है ना ये। तो ये राइजोबियम तो कैसा है? सहजीवी। उसके अलावा मुक्त जीवी, दो नाम दे रखे हैं यहाँ पर, अन्य जीवाणु एजोस्पाइरलम और एजोवेक्टर, मादा में मुक्त अवस्था में रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब राइजोबियम का नाम आएगा तब आप क्या बोलोगे? सहजीवी। और जब एजोस्पाइरलम और एजोवेक्टर का जब नाम आएगा तब आप क्या बोलोगे? मुक्त जीवी। यह भी वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है। इस प्रकार मादा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। अरे आप सोच रहे हो कि नाइट्रोजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? हर जगह नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन का एक पूरा का पूरा साइकिल भी दे रखा है 11th क्लास में। आपका जो डीएनए, डीएनए में क्या हो जाता है? नाइट्रोजन बेस पाई जाती है। नाइट्रोजन बेस में कौन प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन होगा। तो डीएनए को बनाने के लिए, बनाने में ही नाइट्रोजन आवश्यक है। तो आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन की आवश्यकता कितनी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने क्या पढ़ लिए? कवक, सॉरी बैक्टीरिया पढ़ लिए। आगे पढ़ते हैं कवक। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध है, जिसको क्या बोला जाता है? माइकोराइजा। एक बात कान खोल के सुन लेना आज ही, माइकोराइजा ना तो कवक है और ना प्लांट का नाम है। माइकोराइजा ना तो किसी कवक का नाम है और ना किसी प्लांट का नाम है, ठीक है? फिर माइकोराइजा बोलते किसको है? कवक और प्लांट दोनों का जो सहजीवी संबंध है ना, इस संबंध को क्या बोला जाता है? माइकोराइजा बोला जाता है। किसी स्पेसिफिक कवक को ना तो माइकोराइजा बोला जा रहा है, ना किसी स्पेसिफिक प्लांट को माइकोराइजा बोला जा रहा है। प्लांट और जो कवक है दोनों के बीच का जो सहजीवी संबंध है ना, उस सहजीवी संबंध का नाम क्या है? माइकोराइजा है, ठीक है जी साहब। तो ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। देखिए साहब, माइकोराइजा में एक तो कौन होगा? कवक होगा, और एक कौन होगा? कवक पादप होगा। तो कवक कौन सा कवक? ग्लोमस जीनस। जो कवक माइकोराइजा बनाता है वो कौन से जीनस के अंदर आता है? वो कौन से वंश के अंतर्गत आता है? ग्लोमस, GLOMUS। फिर बोल रहा हूं जीनस, यहां पर शब्द आ रहा था जीनस, वो पहनने वाली जीनस नहीं रहे, जीनस का मतलब क्या है यहाँ पर? वंश। तो कौन से वंश का कवक माइकोराइजा बनाता है? ग्लोमस वंश का कवक क्या बनाता है? माइकोराइजा बनाता है। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देता है। तो कवक क्या करेगा? फास्फोरस का अवशोषण करके कहां पर ट्रांसफर कर देगा? प्लांट्स के पास। और फिर प्लांट क्या करेगा? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ना कवक को, और रहने के लिए क्या देगा? हैबिटेट देगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ, जैसे मूलवाद तोड़ रोगजनक के प्रति। अरे ये मूलवाद तोड़ क्या है? अरे मूल में होने वाले डिजीज। तो ये जो कवक है ना, प्लांट में होने वाली प्लांट की जो मूल में होने वाली डिजीज है ना, उनसे भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, और साथ में रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता, सूखे के प्रति सहनशीलता तथा टोटल ग्रोथ में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है? तो माइक्रोएल्गा में प्लांट्स को क्या क्या हेल्प हो रही है? एक तो वो जो रूट में होने वाली डिजीज है उससे छुटकारा मिल रहा है, एक लवणता और सूखे के प्रति जो वो उसकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है प्लांट्स की, उससे क्या कर रहा है? उसको बचा रहा है। और उसकी जो टोटल ग्रोथ है, उसकी जो टोटल ग्रोथ है उसको क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। ये कवक पढ़ लिया हमने, बैक्टीरिया पढ़ लिया, कवक पढ़ लिया। आगे पढ़ रहे हम साइनो बैक्टीरिया। साइनो, अरे वो बैक्टीरिया जो साइन करता है उसको क्या बोला जाता है? साइनो बैक्टीरिया बोला जाता है। मत कर देना ऐसा कभी भी, लिख करके मत आ जाना बोर्ड एग्जाम में कि ऐसा बैक्टीरिया की जो साइन करेगा। वो तो मैं आपको मजाक मजाक में सब बोल रहा हूँ, साइनो बैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एलगी भी बोला जाता है। ऐसा बैक्टीरिया जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस भी कौन सा? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया स्वपोषित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा सूक्ष्म जीव है? कैसा सूक्ष्म जीव है? फोटो ऑटोट्रोप स्वपोषित। देखिए जनरली जो बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? दूसरों से फूड लेते हैं,
लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, नाम इसका ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्लांट नहीं है ये, नाम ही सिर्फ इसका क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, फोटोट्रोप होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करेगा, जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप में पाया जाता है, इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी के या साइनोबैक्टीरिया के, एना बीना, कौन सी बीना, एना बीना, नोस्टोक ओसिलेटोरिया, ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं, साइनोबैक्टीरिया के, जो कि क्या करेंगे, नाइट्रोफिक्सेशन करेंगे। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं, धान मतलब चावल। नीलरित शैवाल, अरे वही नीलरित शैवाल, मतलब इंग्लिश में जिसको बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये सब एक ही होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम है साइनोबैक्टीरिया, उसी को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उसी को हिंदी में नील हरित शैवाल बोलते हैं। भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा सकते हैं, जिससे इसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों का एक बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, वो स्पोर्ट्स मिलते हैं और उनको उनको पानी के अंदर मिला करके छिड़काव किया जा सकता है, वैसे इनके भी क्या मिलते हैं, स्पोर मिलते हैं। किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं, इससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रासायनिक उर्वरकों पर आश्रितता भी कम हो रही है। तो ये हमने चैप्टर है वो लगभग लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका जो एक पोर्शन बच रहा है, कौन सा पोर्शन, मैंने बताया ना सीवेज ट्रीटमेंट, वायु मल उपचार, वो हम अब देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना वो थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है और एनसीईआरटी में उसको थोड़ा सा क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, तब अब उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, आराम से समझते हैं। आप चाहो तो लेक्चर लंबा हो रहा है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो वायुमल उपचार में जो सूक्ष्म जीव है ना, मैंने बताया ना हम इसको लास्ट में पढ़ने वाले हैं, तो वो घड़ी अब आ चुकी है जब हम वायुमल उपचार में सूक्ष्म जीवों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी ऐसी है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं इसके लिए आपके इसको समझाने के लिए आपके लिए नोट्स भी बना करके लाया हूँ। तो पहले तो आप समझिए कि वायुमल क्या होता है, वायुमल क्या होता है, अरे आप आपके घर से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जिसमें आप वहीं पर तो जो कोई मान लो कि कोई भी साग सब्जी होगी वो डाल दी, वहीं पर आपने कोई सूखा कचरा डाल दिया, आपने वहीं पर अपने फटे पुराने कपड़े डाल दिए, तो सिटी के अंदर क्या होता है, जो शहरी इलाके होते हैं ना वहां पर क्या होता है, सब ये तो सभी घरों के से निकलने वाला पानी है ना, वो लास्ट में एक नाले में जाकर के निकलता है ना, ठीक है, और उस पानी को कहाँ पर डाल दिया जाता है, जनरली जनरली बात कर रहा हूँ मैं, जो जल स्रोत होते हैं जैसे नदी हो गई तालाब हो गया वहां पर डाल दिया जाता है। तो जो घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है इसको क्या बोलते हैं, वायुमल बोलते हैं, अरे सीवेज नाम सुना होगा ना, तो वायुमल को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। तो जो आप वो जो गंदा पानी डाल रहे हो ना, उसमें कई प्रकार के तो सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियां कर सकते हैं, कई प्रकार की उसमें गंदगी है, मान लो कि कोई जो फैक्ट्री है वो वहीं पर नदी के किनारे बसी हुई है, तो वहां से जो निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है वो भी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट नदी के अंदर डाल रहे हैं, जो गंदा पानी है उसमें कई प्रकार का कूड़ा कचरा है उसको कहां पर डाल दिया, नदी के अंदर डाल दिया, तो उसमें कई प्रकार की सूक्ष्म जीव थे, ऐसा कोई ऑर्गेनिक मैटर था जिसको खाने से क्या हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए भाई। अगर आप नदी के अंदर डाल रहे हो, उसको जल स्रोतों के अंदर डाल रहे हो, तो पहले आप उसको क्या करो, ट्रीटमेंट करो कि उसके अंदर जितने भी जो अशुद्धि है उसको क्या कर दो, खत्म कर दो आप। अरे अब घरों से निकलने वाला पानी है उसको कहीं ना कहीं तो डाला जाएगा ना, ऐसे थोड़ी कि उसको घर में जमा करके रखेंगे, लेकिन डाल दीजिए आप उसको, आप डाल दीजिए, लेकिन उसको आप पहले क्या करो, ट्रीटमेंट करो कि आप उसको पहले क्या कीजिए, साफ सुथरा कीजिए, जिससे कि अगर वो किसी जल स्रोत के अंदर जाकर के मिलता भी है तो बीमारियां ना हो, और जो नदी और जो जल स्रोत उनका पानी भी गंदा ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कि जो वायुमल है उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाएगा, सूक्ष्म जीव, क्योंकि वायुमल में क्या है, कई प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर है और उसी में क्या है, कई प्रकार के बैक्टीरिया पनप रहे हैं,
आप सोच रहे हो यार सूक्ष्म जीव तो पहले प्रेजेंट है, तो सूक्ष्म जीव कर देंगे ना ट्रीटमेंट? अरे नहीं, वो तो नुकसानदायक है, वो तो क्या है नुकसानदायक है, और कुछ उसमें क्या लाभदायक भी है। तो हम लाभदायक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कैसे क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। एक मैंने जो तो नोट्स आपके लिए बनाया उसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इत्मीनान रख करके बैठे रहिए, आपको एक एक लाइन मेरे ये जो समझाने के बाद में आपको एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। अगर आज तक किसी को ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मेरे को पता है कि जो सीवेजी ट्रीटमेंट वाला जो टॉपिक है ना, इसमें जनरली कंफ्यूजन रहती है मैक्सिमम स्टूडेंट। तो आप तसल्ली से बैठे रहिए, आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ये टॉपिक समझने के बाद, एक एक एनसीईआरटी की लाइन समझ में आएगी। तो पहले आप देख लो कि मैंने आपके लिए जो बनाया कि सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कितने स्टेप है, दो स्टेप है। एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब प्राथमिक उपचार, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक कलर चेंज करता हूँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको क्या बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। आप इनको नोट कर लेना, किसी अलग पेज में इसको नोट कर लेना, या फिर मैं इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसकी डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते। तो क्या होगा जी साहब, पहले क्या होगा कि जो वाइदमल है उसके ट्रीटमेंट के लिए कितने स्टेप हैं? दो स्टेप है, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। तो पूरे ट्रीटमेंट के अंदर चार टैंक यूज किए जाएंगे। कितने टैंक यूज किए जाएंगे? चार टैंक, चारों टैंक आपको सामने नजर आ रहे हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कितना टैंक कितने टैंक यूज में आएंगे? सिर्फ एक। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कितने टैंक यूज आएंगे? सिर्फ एक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कितने टैंक यूज आएंगे? तीन। ये देखिए मैंने लिख रखा है ना सेकेंड, ये चार टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अगर ये हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ ना आप वहां से नोट कर लेना कि ये पहला टैंक जिसका नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, दूसरा टैंक है एक्टिवेटर टैंक, तीसरा टैंक है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, और चौथा है एन एरोबिक एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। एन एरोबिक या फिर एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, हिंदी में भी नाम मैंने लिख रखा है। प्राइमरी टैंक को बोलेंगे प्राथमिक निषादन टैंक, ठीक है, और एक्टिवेटर टैंक, और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक को क्या बोलेंगे? द्वितीयक निषादन टैंक, और जो चौथा टैंक है उसको हिंदी में बोलते हैं अवायवीय आपंक संपाचितर। क्या बोलेंगे? अवायवीय आपंक संपाचितर। कभी कभी इनके नाम हिंदी में ना लिख करके, हिंदी वाले पेपर में भी क्या होता है कि हिंदी में नाम ना लिख करके इंग्लिश में दे दिए जाते हैं, इसलिए आपको दोनों नाम हिंदी वाले और इंग्लिश वाले याद रखने। जितने भी मैंने आप यहाँ पर वर्ड जो इस्तेमाल किए हैं सभी के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो जी साहब क्या होगा, तो हुआ क्या कि ये आपके घरों से निकलने वाला क्या था? वो वायतमल था। क्या था? वायतमल था। तो चार टैंक, तो पहले तो क्या लगा दिया हमने? एक फिल्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक फिल्टर लगा दिया। देखिए ये हमने क्या लगा दिया? एक फिल्टर लगा दिया। ये फिल्टर क्या करेगा? छलनी की तरह क्या करेगा? काम करेगा। अब देखिए जो घरों से जो वायतमल निकल करके आ रहा है उसमें कई प्रकार की पॉलीथीन होगी, कई प्रकार की मतलब जो मोटा कचरा है, जैसे कि मान लो कि फटे पुराने कपड़े हो गए, पॉलीथीन हो गई, सब्जी हो गई, ठीक है। तो ऐसे प्रकार ये जो मोटा कचरा होगा तो हम क्या करते, जैसे कि चाय आपने छानी कभी, तो चाय छानने के लिए करते क्या करते, छलनी का यूज करते ना। तो छलनी में क्या होता है कि जो जो चाय पत्ती होती है वो मोटी है, साइज उनका ज्यादा होता है तो वो ऊपर रह जाती है और जो चाय है वो नीचे आ जाती है। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम, पहले क्या किया जाता है, जो प्राइमरी टैंक है ना उससे पहले क्या लगा देते हैं हम, एक फिल्टर लगा देते हैं जो छलनी की तरह होता है। तो इस फिल्टर से जैसे ही पानी गुजरेगा, वो गंदा पानी जब गुजरेगा ना, तो जो मोटा कचरा है, जो मोटा कचरा है जैसे कि थैलिया होगी, पॉलीथीन वगैरह, ये जो मोटा कचरा है वो क्या होगा? बाहर रह जाएगा, और जो बच गया वो पानी कहां पर आ जाएगा? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आ जाएगा। कहां पर आ गया? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आ गया। तो ये जो यहाँ पर फिल्टर लगा करके हमने जो मोटा कचरा जो सेपरेट किया उसको क्या बोल रहे हैं हम? फिल्ट्रेशन हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में कितने स्टेप है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है? एक तो फिल्ट्रेशन, और दूसरा क्या है? सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन को हिंदी बोलते हैं निस्यंदन, सेडिमेंटेशन को हिंदी बोलते हैं अवसादन।
तो पहले तो क्या किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्टर की हेल्प से जो सॉलिड वेस्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड वेस्ट या जो मोटा कचरा है उसको अलग कर लिया। अब जो बच गया वो पानी कहाँ पर आ गया, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आ चुका है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आ चुका है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि पानी ऐसा पानी है जिसके अंदर क्या हुई है, डस्ट घुली हुई है, मिट्टी घुली हुई है। तो आप उसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ देते हो तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जो मिट्टी है वो तो नीचे जम जाती है और जो पानी है वो ऊपर रह जाता है, ऐसे होता है ना। तो क्या होगा कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक में पानी को आने के बाद में, पानी जब आ जाएगा ना, तो पानी आने के बाद में, पानी आने के बाद में उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, एज इट इज छोड़ दिया जाता है। और जो ये है इधर से पानी को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि जो भारी जो कण है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गए, जो भारी कण है कंक्रीट हो गए, वो कहाँ पर पैंदे में बैठ जाएंगे कि नहीं, सेटल हो जाएंगे नीचे, पैंदे में बैठ जाएंगे। तो देखिए ये पैंदे में सेटल हो चुके हैं, देखिए ये पैंदे में क्या हो जाएंगे, सेटल। थोड़े जो भारी कण है वो पैंदे में सेट हो जाएंगे, जिनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज बोलेंगे या प्राथमिक आपंक बोलेंगे। देखिए मैं एक बार रब करता हूँ, तो जो नीचे सेटल हो गया, नीचे सेटल हो गया उसको तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज बोलेंगे, और जो ऊपर रह गया उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट या सुपरनेटेंट, प्राइमरी इफ्लुएंट या सुपरनेटेंट। वही आप एक चीज आप वही देखिए, बाल्टी के अंदर आपने क्या घोला, पानी घोला, उसमें क्या घुली हुई है, मिट्टी घुली हुई है। आप थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे तो मिट्टी नीचे रह जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। तो पानी तो क्या है वहां पर, प्राइमरी इफ्लुएंट या सुपरनेटेंट, और जो नीचे रह गया वो क्या, प्राइमरी स्लज। तो वैसी चीज यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो प्राइमरी टैंक में क्या किया गया कि प्राइमरी स्लज को नीचे रहने दिया गया और प्राइमरी इफ्लुएंट या जो सुपरनेटेंट है वो कहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया। तो ये क्या प्रोसेस किया, अवसादन। तो अवसादन या सेडिमेंटेशन की हेल्प से जो कंक्रीट पत्थर है, जो मिट्टी है, उसको नीचे हमने रख दिया। अब क्या होगा, अब इस पानी को अगले टैंक में भेज दिया जाएगा, कहाँ पर भेज दिया जाएगा, अगले टैंक में भेज दिया जाएगा। ये जो पानी है अगले टैंक में भेज दिया जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार पानी, हमने मोटा कचरा भी अलग छांट लिया, उसमें जो मिट्टी कंकड़ पत्थर थे वो भी अलग छांट लिया, तो पानी शुद्ध तो हो चुका है। अरे ये तो वो अशुद्धियां हमने छांटी है जो कि पानी में अघुलनशील थी। कुछ अशुद्धियां ऐसी भी तो है पानी में घुलनशील होती है, पानी में घुलनशील है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो उनको भी तुमको सेपरेट करना होगा। अरे कोई ऐसा हानिकारक बैक्टीरिया है वो पैंदे के अंदर, वो पैंदे के नीचे थोड़ी बैठेगा, वो तो पानी के अंदर घुल रहा है क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। तो ऐसे स्मॉल पार्टिकल जो कि पानी में घुलनशील है वो अभी भी क्या है, पानी के अंदर प्रेजेंट, तो उनका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आराम से हल्के से क्या किया, हम क्या करते, देखिए मान लो कि हमारे पास कोई गंदा पानी है, एग्जाम्पल समझिए आप कि गंदा पानी है, बाल्टी में कोई पानी है जिसके अंदर डस्ट घुली हुई है। तो आप क्या करते हो कि थोड़ी देर उसको एजिटेट छोड़ देते हो, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर आ जाता है। तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, पानी को तो अलग सेपरेट कर लेते हो और जो पैंदे में मिट्टी बच गई उसको अलग रख लेते हो, ऐसे करते हो ना आप। तो हमने क्या किया, जो प्राइमरी जो टैंक था उसमें जो प्राइमरी इफ्लुएंट जो ऊपर ऊपर था, जो ऊपर था पानी, उसको तो कहां पर भेज दिया, एक्टिवेटेड टैंक में हमने भेज दिया, और जो प्राइमरी स्लज है उसको हमने यहीं पर रहने दिया और इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब जो हमारा कंटेंट है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है या जो सुपरनेटेंट है, वो कहाँ पर आ चुका है, एक्टिवेटर टैंक में आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, एक्टिवेटर टैंक में आ चुका है। एक मिनट में डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड ग्रहण कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब देखिए अब आगे चले, उससे पहले एक टर्म आ रहा है बीओडी, तो वो पहले हमको समझना ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है बीओडी, तो वो पहले समझेंगे, क्योंकि बीओडी समझ में आएगा ना तो आगे की प्रोसेस तभी समझ में आएगी। तो आप रिलैक्स होकर के बैठिए, बीओडी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो बीओडी क्या है, अरे क्या है बीओडी मेरे सामने, बीओडी कुछ नहीं। हाँ तो अब हम समझते हैं कि जो बीओडी है वो बीओडी क्या होती है। तो ध्यान से सुनते रहना, आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी। मान लो कि कोई ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी है पानी का स्रोत है, इसमें यह पानी है, पानी में तो पानी मतलब वाटर बॉडी में तो पानी होगा,
और इसमें जो घुली हुई जो ओटू है उसका लेवल मान लो कि आप फॉर एग्जाम्पल 30 mg/L, ये घुली जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट इतना है। अब आप इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल आप डाल रहे हो, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल आप इसके अंदर डाल रहे हो। अभी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल क्या होता है? अरे जीवों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, जैसे मान लो कि जीवों से निकलने वाला मलमूत्र हो गया, या जो पेड़ पौधों की जो पार्ट्स है, मान लो कि जिसमें पत्तियां वगैरह वो सारी सारी वो क्या ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो पानी है उसमें क्या हो सकता है? तेल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, तो वो क्या है? वो उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं? अरे जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है वो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। और अगर वो वेस्ट है तो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। तो वो सब कूड़ा कचरा हमने इसमें डाल दिया। क्या डाला हमने? ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल या कूड़ा कचरा हमने डाल दिया। लिख दो मैं यहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हमने इसमें डाला। आज जब हमने कूड़ा कचरा इसमें डाल दिया तो हमको पता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका क्या किया जाता है? अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? अपघटन किया जाता है। और अपघटन करने का काम किसका होता है? जीवाणु और कवक, जो कि क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है वो। तो इनमें क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स होंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल का डिकम्पोजिशन करने के लिए कौन आएंगे? ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल का डिकम्पोजिशन करने के लिए क्या आएंगे? कौन आएंगे? माइक्रोब्स आएंगे, मतलब जीवाणु और फंजाई मेनली। अब आपको एक लाइन में याद दिलाता हूं, अगर आपने इकोलॉजी पढ़ लिया है तो आपको याद हो, या नहीं पढ़ पढ़ आए तो आप पढ़ लोगे कि अपघटन की जो प्रक्रिया हो, प्रक्रिया या जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? माइक्रोब्स क्या करेंगे? माइक्रोब्स क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे। और डिकम्पोजिशन करेंगे तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑटो की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? ऑटो की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल जितने ज्यादा तो वहां पर माइक्रोब्स उतने ज्यादा, क्योंकि वहां पर डिकम्पोजिशन भी क्या हो गया? ज्यादा। और डिकम्पोजिशन जितना ज्यादा तो ऑटो की जो डिमांड है वो भी खुद उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी कि नहीं? आई बात समझ में? अरे जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल, मतलब जितना ज्यादा गंदा पानी है, तो उसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस, मतलब अपघटन की प्रक्रिया भी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब अपघटन की प्रक्रिया के लिए माइक्रोब्स क्या करते हैं? ओटू का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो वहां पर ओटू की डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी कि नहीं? तो ये जो ओटू की डिमांड है ना, ओटू की डिमांड है, इसी को क्या बोलते हैं? बीओडी बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि मतलब माइक्रोब्स को कितनी ओटू की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको शॉर्ट में बोलते हो बीओडी। अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जितना ज्यादा गंदा पानी होगा उसकी ओटू की डिमांड उतनी ज्यादा होगी कि नहीं? ठीक है। अरे पहले क्या था? देखो पहले क्या था? पानी कैसा था? साफ सुथरा था। पहले पानी कैसा था? साफ सुथरा था। तो साफ सुथरा था तो उसमें ऑर्गेनिक मेटेरियल क्या था? कम था। तो उसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस क्या थी? कम थी। अब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कम थी तो वहां पर ओटू की डिमांड भी तो क्या थी? कम थी ना। तो जितना साफ पानी उसकी ब्यूटी उतनी ही कम, जितना ज्यादा गंदा पानी उसकी ब्यूटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। आई की बात नहीं समझ में? तो ये तो एक चीज रही। एक चीज आप समझना, एक चीज आप समझना कि साफ पानी में ओटू का अमाउंट ज्यादा होगा या गंदे पानी में ओटू का अमाउंट? देखिए एक तो बीओडी है और एक बता रहा हूं मैं आपको O2, O2 का अमाउंट, कि पहले साफ पानी था तो उसमें O2 क्या थी? ज्यादा थी। तो उसकी BOD क्या थी? कम थी। अरे साफ पानी की BOD क्या है? कम है। और उसमें O2 क्या है? ज्यादा है। O2 ज्यादा क्यों है उसमें? O2 ज्यादा क्यों है? अरे क्योंकि उसमें अपघटन की प्रोसेस नहीं हो रही, और अपघटन की प्रोसेस नहीं हो रही है तो वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी क्या है? कम है। तो O2 एज इट इज पड़ी रहेगी कि नहीं पड़ी रहेगी?
तो साफ पानी की ब्यूटी क्या होगी, कम होगी, और O2 का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो O2 और BOD एक दूसरे क्या होंगे, समानुपाती होंगे या फिर व्युत्क्रमानुपाती होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। जितना ज्यादा गंदा पानी होगा, तो जितना ज्यादा गंदा पानी है तो उसकी BOD उतनी क्या है, ज्यादा है, और उसमें O2 का अमाउंट क्या है, बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि जो और जितनी O2 देते जाओगे उसको, O2 को तो कौन कंज्यूम करता जाएगा, माइक्रोब्स कंज्यूम करते जाएंगे। एक में इक्वेशन लिख दूं आप यहाँ पर, एक इक्वेशन लिख दूं तो वो इक्वेशन बहुत आपके काम आएगी, वो इक्वेशन बहुत काम आएगी, इक्वेशन वो बहुत काम आएगी। जैसे BOD है वो किसके समानुपाती है, ऑर्गेनिक, आप पूरा पूरा लिख लेना, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल के आप नीचे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेना कि जितना ज्यादा गंदा पानी, तो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल तो समानुपाती है क्या, BOD, और व्युत्क्रमानुपाती किसकी होगी, O2 के। तो ये आपको याद रखना है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल या जितना ज्यादा गंदा पानी तो उसकी BOD उतनी ज्यादा, जितना साफ पानी उसकी BOD उतनी ही कम। तो BOD जितनी ज्यादा होगी तो O2 का अमाउंट वहां पर क्या होगा, उतना ही क्या होगा, ज्यादा। BOD जितनी ज्यादा तो O2 का अमाउंट उतना ही कम। तो ये हमने क्या पढ़ा, BOD पढ़ा, क्या पढ़ी हमने, BOD पढ़ी, BOD पढ़ लीजिए साहब। अब BOD मैं आपको समझा भी देता हूं, एक मिनट। हाँ, मैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है, नोट्स में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ BOD के बारे में। वापस आते हैं वो जो हम, मैं आपको डायग्राम समझा रहा था ना, उस पर वापस आएंगे। पहले आप BOD के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखिए, BOD ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत, मतलब ऑर्गेनिक मेटेरियल को डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मेटेरियल को डिकम्पोजिशन या खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देते हैं। वायुमल तब तक उच्चारित किया जाता है जब तक BOD घट न जाए। देखिए, वायुमल में क्या है, जो सीवेज है उसमें क्या है, वो गंदा पानी तो है, तो गंदा पानी तो उसकी BOD भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसको कब तक उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जब तक वो क्या ना हो जाए, साफ ना हो जाए, मतलब जब तक उसकी BOD ना घट जाए तब तक उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीव द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन क्या कहलाता है, BOD कहलाता है। मान लो कि हमको ये पता करना है कि दो वाटर के सैंपल हमको दे रखे हैं, तो यह पता करना है कि कौन सा पानी ज्यादा पोल्यूटेंट है, कौन सा पानी ज्यादा प्रदूषित है। तो जिसकी BOD जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, गंदा होगा, मतलब उतना ज्यादा पोल्यूटेड होगा। तो ये हमको एक तरीका है कि साफ पानी में और गंदे पानी में पता करने का, मतलब कौन सा ज्यादा पानी स्वच्छ है और कौन सा कम स्वच्छ है। अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही क्या है, BOD, बताया ना। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होगा उस उतना ज्यादा क्या होगा, डिकम्पोजिशन, उतनी क्या होगी, ऑक्सीजन की डिमांड, और वही तो क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या है, BOD है। अब वापस हम हमारे उस डायग्राम पर हम आते हैं, वापस हम हमारे उस डायग्राम पर आते हैं, ठीक है जी साहब। तो जो जो सुपरनेटेंट वाटर था, जो सुपरनेटेंट वाटर था या जो प्राइमरी जो इफ्लुएंट था, उसको हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया, एक्टिवेटेड टैंक में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो हमने पानी इसमें ट्रांसफर किया है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल घुला हुआ है कि नहीं, अरे ये तो हमने प्राइमरी स्लेज में तो जो मिट्टी कंकड़ पत्थर जो थे उसको सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या कर लिया, अलग कर लिया, लेकिन पानी में अभी भी तो क्या जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है वो घुलनशील अवस्था में प्रेजेंट हो गए कि नहीं, घुलनशील अवस्था में क्या हो गया, प्रेजेंट होंगे, तो उसकी BOD उतनी ही ज्यादा होगी कि नहीं। इस अभी इस पर मत जाओ आप, यहाँ पर तो BOD कम लिख रखा है, उस पर मत जाओ आप, उस पर भी हम आते। तो ये जो पानी आ रहा है, ये जो पानी यहाँ से आ रहा है उसमें घुलनशील जो ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल होता है वो क्या है, ज्यादा है, अभी ज्यादा है, तो वो पानी क्या है, गंदा है, तो उसकी BOD उतनी क्या है, अभी ज्यादा। BOD क्या है, ज्यादा। BOD ज्यादा मतलब उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल क्या है, ज्यादा। ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल ज्यादा तो वहां पर उनको डिकम्पोजिशन करने के लिए क्या होगा, माइक्रोब्स क्या होंगे, आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे, मतलब बैक्टीरिया और कौन फंजाई आएंगे।
तो वो उतना ही क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन करेंगे, उतना ही क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन करेंगे। तो धीरे 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 देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल किसके तरह यूज किया जा रहा है? अरे ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल एक तरह से जो सूक्ष्म जीव है उनका खाना ही तो है। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करके ही, डाइजेस्ट कौन कर रहा है? सूक्ष्म जीव ही तो कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा क्या होगा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होगा तो उसमें उतनी ज्यादा क्या होंगे, सूक्ष्म जीव पनपेंगे कि नहीं? उतना ही क्या पनपेंगे, सूक्ष्म जीव पनपेंगे। तो ऐसे क्या होता है, सूक्ष्म जीव का नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो सूक्ष्म जीव का नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और आपको पता होगा कि जो फंजाई होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, ऐसे फाइबर की जैसी होती है, फाइबर की जैसी होती है। तो ये क्या होगी, ये फंजाई क्या है, फाइबर है, और इनमें ये देखो ये क्या है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। ऐसे क्या बना लेते हैं, ये इनका जब नंबर बढ़ने लगता है तो ये अलग अलग क्या बना लेते हैं, ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। देखो ये क्या बना लिया, इन्होंने ग्रुप बना लिया, जिनको क्या बोला जाता है, फ्लोक्स बोला जाता है या उर्णक बोला जाता है। हुआ क्या, वे ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जाता है तो उनको खाने के लिए, खाने के लिए कौन आएगा, जीवाणु और फंजाई आएंगे, मतलब सूक्ष्म जीव आएंगे। तो उनका नंबर उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना ज्यादा बढ़ेगा तो वो फिर क्या बना लेते हैं, अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, फ्लोक्स बोला जाता है, फिर उर्णक बोला जाता है। ठीक है जी साहब, अब इधर से थोड़ी देर के लिए, इधर से थोड़ी देर के लिए हमने जो पानी है उसकी सप्लाई को क्या किया, रोक दिया। आगे जो एक्टिवेटेड टैंक है इसमें क्या होगा कि जो सूक्ष्म जीव है वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल का डिकम्पोजिशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि जो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल है उसका अमाउंट क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन कौन कर रहा है, सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। तो वो सूक्ष्म जीव डिकम्पोजिशन करते 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 ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का क्या होगा, अमाउंट क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, साफ हो रहा है, पानी साफ हो रहा है तो वहां पर बीओडी क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है। तो एक्टिवेटर टैंक में क्या किया जा रहा है, एक्टिवेटर टैंक में क्या किया जा रहा है, उसकी बीओडी को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ठीक है, मतलब हमने भेजा क्या था, ऐसा पानी भेजा था जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल ज्यादा था, उसकी बीओडी ज्यादा थी। ठीक है, और एक्टिवेटेड टैंक में उसको क्या किया गया, सूक्ष्म जीव के द्वारा उसको क्या किया गया, डिकम्पोजिशन उसका किया गया, और धीरे धीरे उसकी बीओडी क्या, कम की गई। अब बीओडी कम है मतलब पानी उतना क्या हो रहा है, धीरे धीरे साफ हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल का जैसे जैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स किसको खा रहे थे, माइक्रोब्स का खाना क्या था, ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल था। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट मेटल कम पड़ रहा है वैसे वैसे माइक्रोब्स का नंबर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, माइक्रोब्स का नंबर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि उनको जब खाना ही नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वो नंबर क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे कि नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं, बचने के लिए, बचने के लिए क्या बना लेते हैं, वो स्पोर्ट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वो स्पोर्ट्स बना लेते हैं, क्योंकि अभी उनके लिए जो कंडीशन है वो कैसी आ चुकी है, अनफेवरेबल कंडीशन आ चुकी है, क्योंकि पानी की बीओडी कम हो चुकी है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल कम हो चुका है, उनके पास खाना नहीं है, तो उनके लिए क्या आ चुकी है, अनफेवरेबल कंडीशन आ चुकी है। तो वो क्या बना लेंगे, स्पोर बना लेंगे, और वो स्पोर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इसी पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी साहब, और क्या होता है इसमें, हम बाहर से O2 भी ट्रांसफर करते हैं बाहर से। अब आपको पता होगा ना कि और जब चलो कि जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वहां पर जो O2 की जो रिक्वायरमेंट थी वो बाहर से हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, बाहर से सप्लाई करते हैं। और यहाँ पर एक फैन भी लगा हुआ होता है तो वो लगातार फैन घूमता है, एक्टिवेटर टैंक में क्या लगा रहता है, फैन लगा रहता है, तो वो फैन लगातार क्या करता है, पानी को घुमाता रहता है, जिससे कि चारों तरफ क्या हो, माइक्रोब्स पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ऑर्गेनिक मैटर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है जी साहब, पानी साफ हो चुका है, बीओडी कम हो चुकी है, जो माइक्रोब्स थे वो क्या बना चुके हैं, स्पोर बना चुके हैं। अब पानी को कहाँ पर भेज दो, पानी को सेकेंडरी जो सॉरी जो तीसरा टैंक है जिसको बोला जा रहा है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, वहां पर इसको भेजा जाएगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है द्वितीयक निषादन टैंक। इसमें क्या होगा कि जो एक्टिवेटेड टैंक से जो पानी भेजा उसमें पानी थे और साथ में क्या थे, स्पोर थे। स्पोर कौन से, अरे जो माइक्रोब्स ने बनाए। तो
वो स्कोर क्या होंगे थोड़ी देर बाद में, धीरे धीरे ऐसे नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे, धीरे धीरे नीचे क्या होने लगेंगे, सेटल डाउन होने लगेंगे, जिसको क्या बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज, क्या सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज जिसको बोला जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, देखो मैंने नीचे लिख रखा है आपके लिए, सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज को हिंदी बोला जाएगा सक्रियत आपंक, ठीक है। हाँ तो ये नीचे कौन बैठे, ये नीचे के कौन जमा हो गए, नीचे जो स्पोर्स है ना वो नीचे जमा हो गए। अब क्या किया जाएगा, हमारा पानी साफ है, सिर्फ उसमें क्या है जो स्पोर्स है ना वो नीचे बैठे हुए हैं, तो ये जो पानी है ना हमारा ऊपर ऊपर जो साफ सुथरा पानी है, इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जल स्रोतों में ट्रांसफर इसको कर दिया जाएगा। देखिए ये नीचे रिवर बना रखी है ना, रिवर नदी तालाब जो भी है, इसको पानी को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और नीचे कौन बच जाएगा, नीचे कौन बच जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज, सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज, मतलब जो स्पोर्ट्स है ना उनको क्या बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज, इनको हिंदी में बोला जाता है सक्रियत आपंक, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ना सक्रियत आपंक। तो एक्टिवेटेड टैंक, एक्टिवेटेड स्लज को चौथे टैंक में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका नाम है एन एरोबिक एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, एन एरोबिक स्लज, एन एरोबिक एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, हिंदी बोले तो एवाईवी आपंक संपाचित्तर, एवाईवी आपंक संपाचित्तर। यहाँ पर कौन प्रेजेंट होते हैं, एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। एक चीज, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो चौथा टैंक उसमें क्या सिर्फ एन एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे या फिर दोनों प्रेजेंट होंगे, एन एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे या फिर एरोबिक बैक्टीरिया या दोनों प्रेजेंट होंगे। देखिए एन एरोबिक बैक्टीरिया तो चौथे टैंक में पहले से प्रेजेंट है, और उसमें हमने क्या ट्रांसफर कर दिया, सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज। अरे ये सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज क्या थी, सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज क्या थी, अरे सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज स्पोर ही तो थे, किसके, बैक्टीरिया के स्पोर, जो कहां से आए थे, सेकेंडरी टैंक एक्टिवेटेड टैंक से आए, सॉरी एक्टिवेटेड टैंक से आए थे। तो एक्टिवेटेड टैंक में कौन से बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया तो थे जो O2 का यूज कर रहे थे, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उनके स्पोर्ट्स कहां पर लाए, पहले हमने ये सेकेंडरी सैटेलाइट टैंक में लाए, फिर उनके स्पोर्ट्स को कहां पर ट्रांसफर कर दिया, चौथे टैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन कौन करेगा, एन एरोबिक बैक्टीरिया करेगा, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया के स्पोर्ट्स को कौन खाएंगे, एन एरोबिक या फिर एवाईवी बैक्टीरिया खाएंगे। और आपको पता ही है जब एवाईवी एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके फलस्वरूप मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और इनका उपयोग हम ज्वलनशील के रूप में कर सकते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, हमने क्या किया, पानी भी साफ कर दिया, और उससे क्या हमने जो CH4 मीथेन गैस है, CO2 गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो कि ज्वलनशील है, वो भी हमने प्राप्त कर ली। तो ऐसे क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। दो ट्रीटमेंट है, दो स्टेप है वायुमल उपचार की, कितनी स्टेप है, दो। प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको फिजिकल भी बोला जाता है, जिसमें दो स्टेप है, एक तो फिल्ट्रेशन और एक सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या किया जाता है, जो मोटा कचरा सॉलिड वेस्ट है उसको सेपरेट कर लिया, और सेडिमेंटेशन की हेल्प से क्या करेंगे हम कि जो कंकर पत्थरों के जो मिट्टी के कण है उनको नीचे सेटल डाउन करके सेपरेट कर लिया जाता है। और सुपरनेटेंट को फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जो दूसरे नंबर का टैंक है जिसको एक्टिवेटेड टैंक बोला जाता है वहां पर भेज दिया जाता है। वहां पर क्या होगा, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे और पानी की ब्यूटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब उन बैक्टीरिया के जो स्पोर्स है वो क्या, स्पोर्स क्या इस पानी में प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगा तो खाना कम पड़ रहा है, तो बैक्टीरिया क्या बना लगेंगे, स्पोर बना लगेंगे। और फिर इस पानी को, ये जो सही एक्टिवेटेड टैंक में जो पानी, उसको कहाँ पर भेजा जाता है, तीसरे टैंक में भेजा जाता है जिसको बोला जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो पानी है, स्वच्छ पानी है, उसको तो रिवर में छोड़ दिया जाएगा, और जो स्पोर्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, जिसको कहाँ पर भेजा जाएगा, चौथे टैंक में भेजा जाएगा, जहां पर क्या होगा कि जो एवाईवी बैक्टीरिया होंगे, एवाईवी बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन स्पोर्स का डिकम्पोजिशन करके क्या करेंगे, वो ये गैस क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे ये ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। अब हम रीडिंग लगाते हैं इसकी, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में।
देखिए साहब क्या कहती है एनसीईआरटी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल की प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को क्या बोला जाता है, वायुमलीय सीवेज भी कहा जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाया जाता है जो अधिकांश रोग जनकीय होते हैं। आपको आश्चर्य होता है कि वायुमल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल को रोजाना निपटान कैसे होता है। पता है कि उसको शहर के बाहर एक नाले के थ्रू वाटर बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी झरनों में विसर्जित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमको पता ही ना इसमें कई प्रकार के ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जैसे बीमारी हो सकती है, पानी गंदा हो सकता है, हमारे जल स्रोत गंदे हो सकते हैं। अतः विसर्जन से पूर्व वायुमल का उपचार वायुमल संयंत्र, वायुमल जो सीवेज प्लांट है उसकी हेल्प से किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। कौन, पानी। व्यर्थ जल का उपचार परपोषित सूक्ष्म जीव से किया जाता है जो वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। देखिए एक तो वो बैक्टीरिया जो कि आपको क्या करें, डिजीज फैला सकते हैं, और एक वो बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट मेटेरियल का। यह उपचार निम्नलिखित दो चरणों में होता है। वैसे तो देखिए तीन चरण होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही स्टेप लिख रखी है, तो हमको दो ही पढ़नी है। वैसे कितने होते हैं, तीन स्टेप होती है। पहला है प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वायुमल से बड़े छोटे कणों का निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, अवसाधन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर लिया जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभक में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा लिया जाता है। फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या करेंगे हम, जो मोटा के तरह उसको अलग कर लेंगे। इसके बाद जो ग्रीट मतलब जो मर्दा तथा जो कंकड़ पत्र है उनको सेडिमेंटस ने अवसाधन द्वारा निष्कासित किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि सभी ठोस जो प्राइमरी सेल है जो नीचे बैठ गए थे ना, प्राइमरी जो जो पहला टैंक था उसमें जो नीचे बैठ गए थे उनको क्या बोल रहे थे, प्राइमरी सेल्स बोल रहे थे ना, नीचे बैठ जाते हैं वह, और जो ऊपर तैर रहा था उसको क्या बोल रहे थे हम, प्राइमरी इफ्लुएंट या फिर सुपर नेटेंट बोल रहे थे, का निर्माण करते हैं। बहिस्त्राव को, बहिस्त्राव मतलब जो सुपर नेटेंट था, इफ्लुएंट था, उसको कहाँ पर भेजते हैं, फिर जो एक्टिवेटेड टैंक था वहां पर भेजते हैं ना, जो दूसरा दूसरे नंबर का जो टैंक था उसको क्या बोल रहे थे हम, एक्टिवेटर टैंक बोल रहे थे। बहिस्त्राव को निस्साधन या सेटलिंग टैंक में द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। एक मिनट वापस दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कहां पर भेज रहे हम, फिर बहिस्त्राव को कहां पर भेज रहे हैं, एक्टिवेटर टैंक में भेज रहे हैं। जी आइए अब आगे। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, तीन टैंक होते हैं ना, जिसको जीव विज्ञानी उपचार भी मैंने बोला था ना, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इसको बोला जाता है। प्राथमिक बहिस्त्राव को मतलब सुपरनेटेंट को बड़े वायु टैंक से गुजारा जाता है या जहाँ या लगातार या आंतरिक रूप से लाया जाता है। मैंने बताया था ना कि फैन लगा होता है, एक्टिवेटेड टैंक में फैन लगा होता है तो वो लगातार घूमता रहता है जिससे कि चारों तरफ ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे और चारों तरफ बैक्टीरिया भी क्या हो, प्रेजेंट हो, और वायु को इसमें पंप किया जाता है। बताया था ना मैंने, बाहर से जो ओटो की डिमांड है उसको बाहर से सप्लाई किया जाता है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवों को प्रबल, सशक्त और क्या बना लेते हैं वो, उर्णक बना लेते हैं, फ्लोक्स बना लेते हैं ना। फ्लोक्स क्या थे, कवक तंतु, और उसमें उलझे हुए जो जीवाणु थे उनको तो उनके झुंड को तो क्या बोलते हैं, फ्लोक्स या उर्णक बोल रहे थे, के रूप में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव बहिस्त्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की क्या करते हैं, खपत करते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन करते हैं। यह बहिस्त्राव के बीओडी का महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगते हैं। मैंने बताया ना बीओडी क्या होती है, तो बीओडी के डिकम्पोजिशन हो रहा है तो धीरे धीरे बीओडी क्या हो रही है, कम हो रही है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत करने ऑक्सीकृत करते। वायुमल का तब तक उपचार किया जाता है तब तक बीओडी घट न जाए। ठीक है, जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीव द्वारा ऑक्सीजन के उत्सर्जन की दर का मापन ही क्या कहलाता है, बीओडी टेस्ट कहलाता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही क्या कहलाता है, बीओडी। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होता है तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। कौन है, धीरे धीरे
एक बार वायुमल अथवा व्यर्थ जल की बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए, व्यर्थ मात्रा धीरे धीरे घट जाए, तब बहिस्त्राव को निस्सादन टैंक में, सेकेंडरी जो सेटलिंग टैंक था ना, वहां पर इसको भेजा जाता है, जहाँ क्या फ्लोक्स जो है उसे अवसाद में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जो फ्लोक्स थे वो नीचे सेटल हो गए थे ना सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, तो तीसरे नंबर का टैंक था। यह अवसाद क्या कहलाता है? सक्रियत आपंग या एक्टिवेटेड सलज कहलाता है ना। सक्रियत आपंग के छोटे से भाग को फिर से वायवीय टैंक में पंप किया जाता है। देखिए ये वायवीय टैंक में पंप क्यों किया जाता है, वापस मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए ये जो ये नीचे जो एक्टिवेटेड सलज है ना, इसका थोड़ा सा पार्ट कहाँ पर भेजा जाता है? इसका थोड़ा सा पार्ट इस वाले टैंक में भेजा जाता है। क्यों? अरे वही जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा इनोकुलम जो जावन होता है तो वो किस में डाला जाता है? दूध में डाला जाता है ना, तो फिर उसमें जो लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया थे वो ग्रो करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। तो वैसे टेक्निक यहाँ पर यूज की जाती है कि अगली बार जब यहाँ से पानी आएगा, अगली बार जब यहाँ से पानी आएगा ना, तो उनका डिकम्पोजिशन करने के लिए पहले से हम बैक्टीरिया या फिर उनके स्पोर्ट्स क्या रखते हैं, तैयार रखते हैं। तो इसलिए जावन के रूप में, इनोकुलम के रूप में ये जो एक्टिवेटेड सलज है ना, इसको इस टैंक में ट्रांसफर किया जाता है कि अगली बार जब जैसे गंदा पानी आए तो जो स्पोर्ट्स है वो जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो क्या बना लेंगे, धीरे धीरे फिर वापस डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इसको वापस इस टैंक में भेजा जाता है। यह आपंख, यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह कार्य करता है। निवेश द्रव्य मतलब बोलता है ना जावन, जिसको इनोकुलम बोलते हैं। आपंक का बचा कुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है। बड़ा टैंक कौन सा? चौथे नंबर का टैंक, जिसको बोल रहे थे एन एरोबिक सलज डाइजेस्टर, हम बोल रहे थे एन एरोबिक सलज डाइजेस्टर, जहां जीवाणु की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती है, वे आपंक में उपस्थित जीवाणु तथा कवक को पाचन कर लेती है। कौन से जीवाणु को पाचन करती है? जो एरोबिक बैक्टीरिया थे ना, उनका पाचन होगा, लेकिन पाचन करने का कौन? एनएरोबिक बैक्टीरिया। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, और यह बायोगैस की तरह क्या की जाती है? यूज की जाती है, क्योंकि यह ज्वलनशील होती है। ठीक है, ये जो वायुमल उपचार या जो सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है ना, ये देखिए उसकी पिक्चर आपको ऊपर से ओवरव्यू इसका दिखाया गया है, तो ये ऐसा होता है एक्चुअल में। आप इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है कि दो चीजें आपको क्या याद रखनी है कि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। इसके तहत एक बड़ी संख्या में नए वायुमल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वायुमल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। आप अपने आसपास स्थित ऐसे किसी भी वायुमल उपचार संयंत्र में जाए जो अत्यंत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद अनुभव होगा, मिलेगा टाइम तो कभी जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, पूरी तरह से क्या कंप्लीट कर लिया, जो वायुमल उपचार जो ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जिसको हमने डिटेल में समझा, और जो मैंने आपको जो नोट से पढ़ाया ना, आप या तो उसको लिख सकते हो या फिर उसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर के डाउनलोड उसको कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो ऐसे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।